ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है, 20 लाख करोड़ रुपए का है ये पैकेज। भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपने अभी एक वीडियो क्लिप देखी, उस वीडियो क्लिप से आपको पता चल ही गया होगा कि आज का हमारा लेक्चर किस बारे में है। 12 मई को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक अनाउंसमेंट किया था कि कोविड से फाइट करने के लिए जो हमारी इकोनॉमी है वो इकोनॉमी बहुत बड़ा पैकेज इंट्रोड्यूस करने जा रही है, दैट वॉज अराउंड 20 लाख करोड़। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम इस वीडियो में उस पार्ट को कवर करेंगे कि वो 20 लाख करोड़ का पैकेज हम इंडिविजुअल्स को, हम जो लोकल लोग हैं, हमें किस तरीके से वो पैकेज बेनिफिट करने वाला है, क्या क्या उसके अंदर की जो डिटेलिंग्स हैं वो क्या क्या डिटेल उसके अंदर दी गई हैं और वो हमें कैसे बेनिफिट कर सकता है। इस पूरे के पूरे जो 20 लाख करोड़ के पैकेज को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने 5 पार्ट में हमें एग्जिबिट किया, तो हम भी इसको 5 पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। इन 5 पार्ट्स में आज हमारा पहला पार्ट है। हम कोशिश ये करेंगे कि बहुत सिंपलेस्ट वे में आप तक मैं उन चीज़ों को पहुंचा सकूं कि उसका मीनिंग क्या है और वो कैसे आपको डिलीवर करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, सबसे पहले आप ये बात समझें, जो वो 5 पार्ट में 20 लाख करोड़ का पैकेज डिवाइड किया गया है, ठीक है, वो है क्या? तो सबसे पहला बिजनेस इंक्लूडिंग MSMEs, जो 13 मई 2020 को ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था। तो पहले पार्ट में जो पहला ट्रांच मीन्स उसका पार्ट, तो पहला जो पार्ट है उसमें हमने बिजनेस और इंडिविजुअल्स और खासकर जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर फोकस किया। दूसरे पार्ट में हमने इनके ऊपर फोकस किया है कि जो लेबर मूवमेंट हो रही है और फार्मर जो फेस कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है, मतलब तो फार्मर्स को सब्सिडी कितनी दी जाएगी। थर्ड पार्ट में जो कि 15 मई 2020 को आया था उसमें हम एग्रीकल्चर पे फोकस करने वाले हैं। न्यू हॉराइजंस ऑफ ग्रोथ जो है हमारा 16 मई को रिप्रेजेंट किया गया था, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट वापस कैसे बूस्ट बैक करेगी आपकी इकोनॉमी को और क्या क्या रिफॉर्म्स अलग अलग सेक्टर में आए हैं। तो ये 5 पार्ट है। जब ये 5 पार्ट कंप्लीट करा दूंगा मैं आपको, तब हम इसकी बात करेंगे कि जो ये 20 लाख करोड़ का फंडिंग गवर्नमेंट ने आपसे प्रॉमिस किया है कि वो हमारी इकोनॉमी में इन्फ्यूज करने वाली है, ये 20 लाख करोड़ की फंडिंग गवर्नमेंट कैसे मैनेज करने वाली है। ठीक है, तो प्लीज आप इस चैनल से जुड़े रहे बाकी सारी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वर्क। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड्स एक बेसिक ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि गवर्नमेंट ने किस ऑब्जेक्टिव से ये 20 लाख करोड़ का पैकेज जो है इन्फ्यूज किया। सबसे पहला, ये पैकेज जो है वो फोकस करेगा लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉ, मतलब ये पैकेज हमारे इन 4 मेजर चीजों को कवर करेगा जिससे कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को बेनिफिट हो सके। जिन भी लोगों ने MSMEs के ऊपर मेरा लेक्चर नहीं देखा है, ऊपर आई आइकन को प्रेस करके आप MSMEs का लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि ये 20 लाख करोड़ का पैकेज जो है उसके अंदर MSMEs की डेफिनेशन को भी चेंज कर दिया गया है। मतलब जो लिमिट थी इन्वेस्टमेंट लिमिट, उस इन्वेस्टमेंट लिमिट को अब इन्वेस्टमेंट प्लस टर्नओवर के साथ जोड़ करके नई लिमिट सेट की गई है, ताकि जो MSMEs हैं वो एक नई डायमेंशन ग्रोथ की अचीव कर सके। तो पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या है, टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट। इसका जो मोटिव है, इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है। आपने में भी हमारे गृह मंत्री की स्पीच सुनी होगी जिसमें उन्होंने ये कहा कि आर्मी के जितना भी कैंटीन्स है अब उन कैंटीन्स के अंदर इंडियंस जो हैं वो प्रोडक्शन जाएगा, मतलब उनके जितने भी घर हैं, उनके जितने भी कैंटीन्स हैं, वहाँ पे सारा सामान वो डिलीवर किया जाएगा जो इंडिया के अंदर बनेगा। बाहर के देशों से कुछ भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो लेके उनके कैंटीन्स में नहीं बेची जाएंगी। इससे इंडिया सेल्फ रिलायंट बनेगा, मतलब आत्मनिर्भर। और इसका आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, इस जो पूरा का पूरा 20 लाख करोड़ का इन्फ्यूजन है, इसका मोटिव ये भारत को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, अब इसके दिस पैकेज विल सर्व MSMEs, इंडिविजुअल, स्मॉल इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। ये क्या करेगा, जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, इंडिविजुअल्स को भी और जो छोटे मोटे जो बिजनेस है, कॉटेज इंडस्ट्रीज एज वेल, इन सबको कवर करेगा। ठीक है, इस आत्मनिर्भर भारत के 5 पिलर्स बताए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। पहला इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाना। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बेसिक जो आपके आप कह सकते हो कि
जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है बिजनेस को सस्टेन करने के लिए, वो कोर एलिमेंट्स को गवर्नमेंट इंप्रूव करेगी, जिसमें कि कहीं ना कहीं पावर सेक्टर, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन जैसी इंडस्ट्री सारी आएगी, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड, ठीक है। सो ये पांच हमारे सेक्टर्स हैं जिनको, पांच पिलर्स हैं जिनको गवर्नमेंट कवर करेगी। सिस्टम, सिस्टम इज लाइक लॉ एंड ऑर्डर वगैरह को कैसे इम्प्रूव किया जाएगा, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड। देखो सबसे ज्यादा जो जरूरी है इस चीज के अंदर वो है डिमांड को क्रिएट करना। जब तक डिमांड नहीं होगी वापस से देश के अंदर, लोगों के पास पैसा नहीं आएगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, तब तक डिमांड नहीं होगी। जब तक डिमांड नहीं आएगी तब तक प्रोडक्शन का वो लेवल अटेन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इस पैकेज को इन्फ्यूज किया गया। लोकल्स आर गिवन चांस टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट्स एंड मेक देम ग्लोबल। इस पैकेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जितना भी अब प्रोडक्शन होता था पहले, हम जो बाहर से भी करते थे, ठीक है, अब इसमें लोकल्स, आपने सुना होगा कि भाई लोकल्स को वोकल दिया जाएगा, दैट मींस लोकल्स को प्रायोरिटी दी जाएगी हर केस के प्रोडक्शन के लिए। मतलब इंपोर्ट हम कम करेंगे, दैट मींस हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने वाले हैं, कम से कम इंपोर्ट अब भारत जो है बाकी देशों से करेगा, ठीक है। और जो है बाय इंफ्यूजन कैपिटल ऑफ रुपीज 20 लाख करोड़, विच इज अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ इंडिया जीडीपी। ये तो आपने सुना ही वीडियो क्लिप के अंदर कि 20 लाख करोड़ का पैकेज इंट्रोड्यूस किया गया है जो जीडीपी का 10% है, जो कि अलग अलग सेक्टर से, अलग अलग हमारी इकोनॉमी के सेक्टर्स में इन्फ्यूज किया जाएगा, जिससे कि हमारी इकोनॉमी को वापस से वही मजबूती दिलाई जा सके जो कि पहले इंडिया के पास थी। तो ये ऑब्जेक्टिव है। अब देखते हैं डिटेल्स क्या है, क्या अनाउंसमेंट हुई है पैकेज फर्स्ट में हमारे पास, ठीक है। तो ये देखो ऐसे तो बहुत सारी चीजों के बारे में बात की गई है, मैं आपको सिर्फ उन पॉइंट्स को कवर करके बताऊंगा जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। सबसे पहला, जितने भी एमएसएमईज हैं, एमएसएमईज का लेक्चर आपके लिए बहुत जरूरी है, प्लीज जरूर देख लें। तो जितने भी एमएसएमईज हैं उनको अब बिना कोलेटरल के लोन दिया जाएगा, ठीक है। मतलब अब आपको कोई भी चीज गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी, आपको बिना कोलेटरल के लोन दिया जाएगा जिसका टेन्योर 4 साल का होगा, जिसको आप 4 साल में पे करेंगे, ठीक है, और 1 साल तक आपको उसका कोई प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पे करना है, ठीक है। जो सरकार ने इसके लिए जो प्रोविजन बनाया, फंडिंग की है, वो कितने की है, 3 लाख करोड़ की है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 45 लाख एमएसएमईज को बेनिफिट देने वाली है। तो जो जो फिगर्स हैं उन्हें ध्यान रखेंगे, 3 लाख करोड़ तक का लोन दिया जाएगा एमएसएमईज को बिना किसी कोलेटरल के, जो कि 45 लाख एमएसएमईज को क्या करने वाला है, सर्व करने वाला है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि बिना कोलेटरल के अगर लोन देंगे, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, तो उनको बहुत डाउट होगा कि वापस कैसे आएगा। इन सच केस गवर्नमेंट ने कहा है कि उसकी पूरी गारंटी गवर्नमेंट की होगी, ठीक है। आप लोन दें, जो पैसा डूबेगा कुछ भी होगा उसकी गारंटी गवर्नमेंट लेगी, दैट इज व्हाई 3 लाख करोड़ हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। फॉर स्ट्रेस्ड एमएसएमईज, वो एमएसएमईज जो कि पहले से अपने फंक्शनिंग में थोड़े इम्प्रॉपर थे, या ढंग से काम नहीं चल रहा था, या किसी वजह से बिजनेस में सफर कर रहे थे, ऐसे एमएसएमईज को 20,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उनको 20,000 करोड़ रुपए की फंडिंग की जाएगी, जिससे कि वो वापस एक प्रॉपर पर्टिकुलर तरीके से वापस फंक्शनिंग कर सके, ठीक है। और इससे करीबन 2 लाख एमएसएमईज को फायदा होने वाला है। ये हर एमएसएमई के, ये किसके लिए, ये स्ट्रेस एमएसएमईज के लिए, वो जो पहले से काफी प्रॉब्लम्स में है, ठीक है। इसके बाद 50,000 करोड़ रुपए उन एमएसएमईज को दिए जाएंगे जो एमएसएमईज पहले से ही बहुत अच्छे कर रहे हैं, ताकि उनको और बूस्ट किया जा सके। ऐसा होता ना कि जो स्टूडेंट बहुत अच्छा पढ़ता है, टीचर भी उसको कहता है कि जो तू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर ले, तो ये कुछ पैसा ही है, आप समझो कि 50,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे उन एमएसएमईज को जो ऑलरेडी काफी अच्छा काम कर रहे हैं, ताकि वो और अच्छे से अपना काम कर सके। तभी तो लोकल को वोकल मिलेगा, जब आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल से हर चीज को उठाओगे। अब एक चीज आप इन 3 पॉइंट्स में पहले समझे, एमएसएमईज पे इतना फोकस करने का क्या मतलब है। एमएसएमईज इंडिया के अंदर, देखो मैंने एमएसएमईज की वीडियो में बताया था, वर्ल्ड के अंदर इंडिया जो है एमएसएमईज के मामले में 2nd नंबर पे आता है चाइना के बाद। तो हमारा एमएसएमई सेक्टर बहुत वास्ट है और 11 करोड़ लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। 11 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है एमएसएमईज। अलॉन्ग विद दैट
अगर मैं बात करता हूँ इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा कोई एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है तो वो एमएसएमई से, मतलब अगर हमें वापस से इंडिया को रोबस्ट करना है, वापस से इंडिया को उसकी पेस पे लेके आना है और जो ट्रैक से हम हट चुके हैं इस पेंडेमिक की वजह से, उसके लिए सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है और उसके लिए सिर्फ एक ही चीज काम कर सकती है कि हम ग्राउंड लेवल से फंडिंग करना शुरू करें। इसलिए पहले पैकेज के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ने सिर्फ एमएसएमई पे ज्यादा जोर दिया है। ठीक है, ये तो होगी एमएसएमई की बात। अब बात करते हैं इंडिविजुअल को कैसे बेनिफिट होने वाला है। देखो, गवर्नमेंट विल फैसिलिटेट एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर ईपीएफ ऑफ स्मॉल बिजनेस यूनिट्स टिल अगस्त। पहले आपको पता होगा गवर्नमेंट ने कहा था जिन लोगों की सैलरी 15,000 रुपए तक या उससे कम है उनका ईपीएफ जो भी था वो गवर्नमेंट पे करने वाली थी मार्च अप्रैल मई का, लेकिन इस लिमिट को एक्सटेंड करके कितना कर दिया गया है अब अगस्त तक कर दिया है। मतलब जो लोग 15,000 रुपए तक का सैलरी लेते हैं, कॉम्पेंसेशन लेते हैं और वैसी छोटी यूनिट्स, उनके एम्प्लॉयज और उनके एम्प्लॉयर का जो ईपीएफ है वो गवर्नमेंट पे करेगी। कब तक करेगी गवर्नमेंट उनके ईपीएफ में डालेगी, कब तक? अगस्त तक, जो कि टोटल कितना बनता है 2500 करोड़ के आसपास बनता है। ठीक है, जो कि कितने लोगों को बेनिफिट करेगा, जो कि 3.67 लाख एम्प्लॉयर को बेनिफिट करेगा। 3.67 लाख एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कौन होते हैं? मालिक। एंड 72.22 लाख एम्प्लॉयज को फायदा करेगा। ठीक है, तो ये इतने मालिकों को और इतने लेबर को फायदा करने वाला है, ये इंडिविजुअल बेनिफिट। फिर ईपीएफ कंट्रीब्यूशन जो है वो अगले 3 महीने के लिए कम कर दिया गया है। पहले ईपीएफ हमारा 12% करता था, अब ईपीएफ में 10% जाएगा। इसे आप ऐसे समझो कि मान लो पहले सपोज इट आप 2000 रुपए कमाते थे, है ना, 2000 में से 12% जो था ईपीएफ में आपका जाता था। तो अगर मैं 2000 में से 12% की बात करता हूँ तो कितने रुपए पहले आपके जा रहे थे? पहले आपके जा रहे थे 240 रुपए जा रहे थे ईपीएफ में, लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहा है कि वो कितना हो जाएगा, वो 10% हो जाएगा। इसका मतलब अब सिर्फ 2000 का 10% विच इज 200 अब आपके सिर्फ ईपीएफ में 200 रुपए जाएंगे। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले 12% था जिससे कि 240 रुपए जा रहे थे एग्जाम्पल के तौर पर, और अब सिर्फ 200 रुपए जाएंगे। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा? इससे ये फायदा होगा कि जो पैसा गवर्नमेंट के पास जाने वाला था वो अब आपके जेब में बच गया, जो कि टोटल एक अमाउंट बनाता है 6750। इसका मतलब अगर नेशन के टोटल ईपीएफ की कलेक्शन देखें तो लोगों के पास कितना रुपए बच जाएगा, टोटल मिला के 6750 करोड़ रुपए का फायदा लोगों को होगा। ये लोगों को होगा, गवर्नमेंट के पास जाना था, गवर्नमेंट ने 2% कम कर दिया तो मतलब लोगों को बेनिफिट होगा, ये इंडिविजुअल फायदा। आगे देखते हैं 90,000 करोड़ की लिक्विडिटी इंजेक्शन के लिए डिस्कॉम्स के लिए। डिस्कॉम्स क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, वो कंपनीज जो इलेक्ट्रिसिटी से एसोसिएटेड काम में लगे हुए हैं, या फिर जनरेशन में, या फिर ट्रांसमिशन में, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में, उनके अंदर 90,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी दी जाएगी। क्यों किया गया ऐसा? ऐसा करने के पीछे जो वजह है वो ये है क्योंकि ये कंपनीज को इस टाइम पे काफी ज्यादा लॉस सहना पड़ा है, क्योंकि जब बड़े बड़े बिजनेस बंद हो गए तो इनके पास मनी का फ्लो कम हो गया, तो उस मनी के फ्लो को वापस से चालू करने के लिए 90,000 करोड़ की लिक्विडिटी उन सेक्टर्स को दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद टीडीएस, टैक्स डिडक्शन इन सोर्स, ये क्या होता है? देखो, जब हम लोग कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन, जैसे मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मैं क्लासेस ले रहा हूँ, इस केस में मैं एक प्रोफेशनल हूँ, तो जो मैं प्रोफेशनल हूँ, प्रोफेशनल के केस में टीडीएस कटता है। ठीक है, इंडिविजुअल तौर पे आप टैक्स बोलते हो, लेकिन प्रोफेशनल के केस में जिनकी सैलरीड नहीं होती, जो सैलरीड नहीं होते सॉरी, उनके केस में टीडीएस कटता है। तो टीडीएस की जो लिमिट है वो 25% कम कर दी गई है। अभी 25% कम करने का मतलब वही सेम एग्जांपल हो कि पहले आप 2000 कमाते थे तो 25% क्या करते थे, गवर्नमेंट को एज अ टीडीएस देते थे, तो 2000 कमाते थे 25% दे देते थे, तो कितना चला गया, 500 रुपए चला गया था। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने कहा है कि ये 25% कम हो जाएगा, मतलब आप ये समझो कि 2000 रुपए आप कमाते थे, ठीक है, अगर 2000 आप कमा रहे थे और 500 दे रहे थे तो अब आपको 25% कम देना है। ठीक है, मतलब अब आपको जस्ट हाँ जी 25% रिडक्शन दिया गया टीडीएस में। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय टीडीएस?
देखो टीडीएस क्या होता है, जितने भी लोग प्रोफेशनल्स होते हैं ठीक है, लाइक टीचर्स हो गए या फिर कोई सीए फर्म में हो गया, कोई लॉ फर्म है, अब ये जितने भी लॉ फर्म्स या सीए फर्म या कोई टीचर कोचिंग सेंटर्स होते हैं ठीक है, सैलरी तो है नहीं, अपना काम कर रहे हैं, इस केस में इनका जो भी इनकम होता है उसमें टीडीएस कटता है, दैट इज टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। गवर्नमेंट ने इस टीडीएस को 25% रिड्यूस किया है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो पहले आप 2000 रुपये कमाते थे, अब उस 2000 में आप 100 रुपये टीडीएस पे कर देते थे, अब वो टीडीएस आपको सिर्फ 75 रुपीज पे करना है, मतलब 25 रुपये एक तरह से आपके अब बच गए, मतलब 25% का आपको बेनिफिट हुआ। जो एस्टिमेशन क्या है कि टोटल 50,000 करोड़ के आसपास है ठीक है, ये एस्टिमेशन कितना है 50,000 करोड़ का इससे फायदा होगा लोगों को, मतलब जो 50,000 करोड़ पे गवर्नमेंट को मिल जाते वो अब आपके पास रहेंगे, मींस आपकी जो अपनी इनकम है जैसे आप खर्च कर सकते हैं आप कह सकते हो 25% से बढ़ गए, क्योंकि पहले आप 100 रुपये दे देते थे, अब आप 75 ही दे रहे हो, तो 25 रुपये आप और एक्स्ट्रा खर्च कर पाओगे। ये क्यों किया गया, ताकि इंडिविजुअल के डिमांड पे इम्पैक्ट पड़े, ज़्यादा पैसा हाथ में रहेगा तभी तो खर्च पाएंगे, वरना कैसे खर्च पाएंगे। और ये कब तक के लिए किया गया है, ये मार्च 2021 तक के लिए किया गया है ठीक है। इसी के साथ साथ जो ड्यू डेट थी ITR फाइल करने की, जो कि 31 जुलाई तक कही गई थी, अब वो कब तक कर दी गई है, नवंबर 2020 तक, मतलब अब जो हम अपनी ITR फाइल कर सकते हैं वो कब तक कर सकते हैं, वो नवंबर 2020 तक कर सकते हैं ठीक है। इसी के साथ मैंने आपसे क्या कहा था, इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाएंगे है ना, अगर आप अपना ऑब्जेक्टिव देखें तो क्या कहा था उस ऑब्जेक्टिव में कि इंडिया क्या बनेगा, सेल्फ रिलायंट। देखो सबसे पहला पॉइंट है वापस, इंडिया सेल्फ रिलायंट बनेगा प्लस लोकल को ग्लोबल करना है। अभी लोकल को ग्लोबल करना क्या था, वो आपके पास पॉइंट ये है, देखो क्या लिखा है, ग्लोबल टेंडर्स टू बी डिसअलाउड अप टू 200 करोड़, मतलब 200 करोड़ रुपए तक के जितने भी टेंडर्स बाहर के होते थे हम उनको मना कर रहे हैं। आप इसे ऐसे समझो कि मान लो पहले इंडिया में ये मार्कर बनते थे ठीक है, और ये मार्कर इंडिया एक मार्कर जो बनाती थी वो मान लो 20 रुपये का बनाती थी ठीक है, लेकिन कोई भी बाहर की कंपनी जैसे कि मान लो चाइनीज कंपनी आ गई या जापानीज कंपनी आ गई या से इटालियन कंपनी आ गई, वो आते थे और वो यही मार्कर गवर्नमेंट को कहते थे कि हम आपको 15 रुपये का बना के दे देंगे। इंडियन कितने का बना रहे हैं, 20 का, वो कितने का ऑफर कर रहे हैं, 15 का ठीक है, तो फायदा था। लेकिन गवर्नमेंट ने अब स्ट्रिक्टली मना कर दिया, जितने भी टेंडर 200 करोड़ रुपए तक के होंगे वो सिर्फ इंडियंस को ही मिलेंगे, इंडियन टेरिटरी में ही बनेंगे, बाहर वालों को प्रोजेक्ट नहीं दिए जाएंगे। क्यों, ताकि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। एंड दिस इज व्हाट वी नोन एज इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि पहले तुम इम्पोर्ट कर रहे थे एक तरह से, अब आप इम्पोर्ट नहीं करोगे ठीक है। इसके बाद क्या कहा गया, इसके बाद ये कहा गया है कि जो NBFCs हैं, HBFCs हैं, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ठीक है, HBFC क्या होता है, हाउसिंग बैंक फाइनेंस कॉर्पोरेशन ठीक है, MFI क्या होता है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इन लोगों को 30,000 करोड़ की लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि जब आप इनको लिक्विडिटी दोगे तभी तो ये आगे फर्दर जो इंडिविजुअल्स MSMEs के अंदर लोन लेने जाएंगे तभी तो ये उनको दे पाएंगे, तो 30,000 करोड़ की लिक्विडिटी इनको दी जाएगी। तो ये एक तरह का मेन 10 आपके पास पॉइंट्स हैं जो आपको बताते हैं कि जो गवर्नमेंट का पहला पैकेज आया, रिलीफ फंड आया, जो पहला पैकेज बिजनेस के रिगार्डिंग, बिजनेस इंक्लूडिंग MSMEs, उनको कैसे बेनिफिट करेगा और इंडिविजुअल मीन्स आपकी जेब पे कैसे बेनिफिट करेगा, बाकी इसके डिटेलिंग देखते हैं एक बारी। सी ये कहा गया इमरजेंसी, जो भी आपका जो भी स्टाफ है, फैसिलिटीज, MSMEs वगैरह जितने भी काम कर रहे हैं उनको वर्किंग कैपिटल दी गई कितने की, 3 लाख की, अभी हमने पॉइंट्स पढ़ा था। फिर जो MSMEs स्ट्रेस है, मतलब पहले से ही प्रॉब्लम में चल रही है, उनको कितने का इन्फ्यूजन है, 20,000 करोड़ का, सारी फिगर करोड़ में है। MSME में इक्विटी, मतलब जो अच्छे चल रहे हैं उनमें गवर्नमेंट इक्विटी देगी, मतलब और इन्वेस्टमेंट करेगी, वो कितने की है, 50,000 करोड़ की ठीक है। EPS सपोर्ट फॉर बिजनेस एंड वर्कर्स, जो बिजनेस और वर्कर जिसमें गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट को जो सपोर्ट कर रही है उसको कितना दिया गया, 2800 करोड़ अराउंड ठीक है। और EPF रेट को रिडक्शन किया गया है ठीक है, और कितना हो गया, 6750 ठीक है।
स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम निकाली गई है उसके लिए कितना है 30,000 करोड़, ठीक है। पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम कितनी आपको दी गई है एनबीएफसी को 45,000 करोड़। लिक्विडिटी इंजेक्शन कितना दिया है डिस्कॉम्स को 90,000 करोड़। और रिडक्शन इन टीडीएस टीसीएस रेट्स क्या है आपके पास 50,000 करोड़। तो इसका अगर सब टोटल करते हैं जो कि पार्ट वन है ना सिर्फ, तो पार्ट वन के पैकेज का टोटल कितना आता है दैट इज 5,94,550। तो ये पैकेज वन है आपके पास फ्रेंड्स, ठीक है। तो आई होप आपको आज का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। Stay tuned with this channel so that मैं आपको बाकी जितने भी packages introduce किए finance minister ने उसके ऊपर भी updates दे सकूँ। I hope you like the video. तो please don't forget to like, share, subscribe my channel. Thanks for watching. तो गरीब की हर समय चिंता किसने की तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, और कल भी जो आपकी चिंता का विषय था और हम सब भी देखते हैं कि जो गरीब वापस भी जा रहा है उसकी मदद कैसे की जाए, तो आज हम आप सबके सामने आए हैं। कल एमएसएमई सेक्टर की मदद की तो 12 करोड़ लोगों को ये मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योग रोजगार देते हैं। अगर उनकी मदद हुई तो अप्रत्यक्ष तौर पर गरीब मजदूर की मदद भी कल की गई। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आपने एक वीडियो क्लिप में देखा कि आज हम बात करने वाले हैं ट्रांस टू की। इससे पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था, एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने ट्रांस वन के बारे में समझा था कि जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है वो किस हिसाब से ब्रेक डाउन हुआ है। तो जिन्होंने ट्रांस वन देख लिया है अच्छा है, जिन्होंने ट्रांस नहीं देखा है वो प्लीज ऊपर आइकन पे क्लिक करके ट्रांस वन देख लें। तो पहला जो ट्रांस था उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था, बिजनेस इंक्लूडिंग एमएसएमईज, मतलब जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं हमने उनके बारे में स्टडी किया। अगर हम उस चीज को एक बार थोड़ा डीपली देखें वो कहीं ना कहीं जब मैंने आपसे कहा था कि 11 करोड़ लोग जो है एम्प्लॉयड है, ठीक है, एमएसएमईज के सेक्टर के अंदर, तो आप इवेंचुअली इस बात को समझो कि जो बहुत पुअर और जो माइग्रेंट्स हैं उनमें से बहुत से लोग होंगे जिनको उस इंडस्ट्रीज में काम मिला था, ठीक है। इससे पहले आपने एक वीडियो क्लिप भी देखी कि किस तरीके से जो एक वुमेन है अपने बच्चे को लेकर के जा रही है। तो आज का जो ट्रांस है मतलब जो ट्रांस टू गवर्नमेंट ने प्रपोज किया वो ट्रांस टू ऐसे ही माइग्रेंट्स और जो पुअर फार्मर्स हैं हमारी कंट्री के उनके बारे में ही है। सो लेट्स जस्ट हैव अ लुक के ट्रांस में क्या किया गया है उन लोगों के लिए, ठीक है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज टेक्नोलॉजी सिस्टम। देखिए आप ऐसे समझो, अभी कुछ टाइम पहले जीएसटी अनाउंस हुआ था, जीएसटी के लिए बहुत अच्छा टैगलाइन यूज किया गया था वन नेशन वन टैक्स, जिससे पहले वैल्यू एडेड टैक्स एक्साइज ये हर जगह अलग अलग होता था बट इन सबको बाद में मर्ज करके वन नेशन वन टैक्स बन गया। सिमिलरली गवर्नमेंट उसी एक नए आइडिया को लेके आई है और वो आइडिया ये है कि अब हमारी कंट्री में एक नेशन एक रेशन कार्ड होगा। जैसे हर स्टेट में जाते हैं भाई हर स्टेट का एक अलग रेशन कार्ड है, तो अगर आप यूपी से हैं दिल्ली में आपको राशन नहीं मिल रहा क्योंकि उस रेशन कार्ड को यहाँ पे वैलिड नहीं माना जा रहा। गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को खत्म कर दिया क्योंकि माइग्रेंट्स को इस टाइम पे खाने की सबसे बड़ी दिक्कत हुई, सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत, और उनका ये भी कह रहा था कि कितने दिन तक कोई उसको अपने घर से खाना खिलाएगा, इजंट इट। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम को एस्टैब्लिश किया जिससे कि पूरे नेशन में अब सिर्फ एक रेशन कार्ड होगा, उस रेशन कार्ड के बेसिस पे इरिस्पेक्टिव ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट और एरिया ऑफ योर बर्थ, ठीक है, आपके होम टाउन से मतलब नहीं है वो यूपी का है वो उड़ीसा का है वो केरला का है, ठीक है, कहीं से भी आप होंगे आप एक रेशन कार्ड के बेसिस पे एंटायर आप अपने नेशन के अंदर कहीं भी फेयर प्राइस वो गवर्नमेंट की रेशन शॉप्स होती हैं पीडीएस सिस्टम के थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो रन करती है आप वहां से रेशन ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि बाय मार्च 2021 पूरे नेशन में अप्लाई हो जाए। सो लेट्स समझ लो टेक्नोलॉजी सिस्टम्स बीन पुट इनटू प्लेस टू एनेबल यूसेज ऑफ रेशन कार्ड्स फॉर प्रोक्योरिंग फूड एट एनी फेयर प्राइस शॉप इन इंडिया, दैट इज वन नेशन कार्ड, ठीक है, एक ही नेशन और एक ही रेशन कार्ड जो पूरे वर्ल्ड में होगा, हर जगह जाके नए रेशन कार्ड आपको अप्लाई नहीं करना है। जो गवर्नमेंट का एस्टिमेशन है उससे इसके अकॉर्डिंग 67 करोड़ लोगों को क्या होने वाला है, इसका बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अब इसके बाद क्या हुआ, अब जैसे जो माइग्रेंट्स अब अटक गए रह गए बेचारे,
वो घर नहीं जा पा रहे किसी भी वजह से, तो गवर्नमेंट ने यही कहा है कि उनकी इनकम सबसे ज्यादा अफेक्टेड अगर कोई हुआ है इससे तो वो जो पुअर मार्जिनल फार्मर्स और माइग्रेंट वर्कर्स हैं, सिर्फ वही हुए हैं। क्योंकि अगर मैं आपकी और मेरी बात करता हूँ तो आप और मैं तो घर बैठे हुए, मैं अपने काम अपने सोर्सेज के थ्रू वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, आप अपने सोर्सेज के थ्रू उनको एक्सेस करके नॉलेज गेन कर पा रहे हो, नहीं तो इंस्टा फेसबुक एंड देयर लॉट टू डू, आप अपने घर पे बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और ऊपर से हमारे पास पेइंग कैपेसिटी अच्छी है, परचेजिंग पावर अच्छी है, तो हमने लॉकडाउन की न्यूज सुन के ही सारा रेशन अपने घर में स्टोर कर लिया। लेकिन व्हाट अबाउट देम, वो तो वो लोग थे ना जो लोग रोज अर्निंग करते थे, तो उनकी रोज की अर्निंग थी उसके बेसिस पे वो बेचारे शाम को अपना जो भी अर्न करते थे उसके बेसिस पे लेके आते थे। तो वो जो रोज की अर्निंग चली गई, जब बिजनेस ही चले गए, जब वही खत्म हो गया, तो सोचो उनके पास खाना कहाँ से आएगा और वो कैसे अपने रेशन का अरेंजमेंट करेंगे। सो हमारी गवर्नमेंट ने उनके लिए एक बहुत अच्छा पैकेज निकाला है और वो ये है कि अगले 2 महीने तक, अभी तक तो दिया जा ही रहा था, अगले 2 महीने तक 8 करोड़ माइग्रेंट जो है उनको 2 महीने तक राशन दिया जाएगा, जिसमें 5 किलो चावल और क्या होगा वीट गेहूँ पर पर्सन इंक्लूड होगा और पर फैमिली में 1 किलो चना, ठीक है, जिसे आप डाक पीस बोलते हैं, ये हर किसी को दिया जाएगा, ठीक है। बात ये है माइग्रेंट्स वर नीदर एनएफएसए और स्टेट कार्ड बेनिफिशियरीज। अब एनएफएसए क्या, दैट इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। इस एक्ट को 2015 में पास किया गया था, जिसका काम ये था कि जितने भी लोग इसके अंदर एनरोल्ड होंगे उन सबको गवर्नमेंट क्या करेगी, फूड सिक्योरिटी, वो रेशन सिस्टम वाला हिसाब है, फूड सिक्योरिटी देगी। लेकिन अब ये कहा गया है चाहे आप अपने स्टेट में, चाहे आप एनएफएसए में है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको भी रेशन मिलेगा। ये इम्पोर्टेंट न्यूज है, आप इस चीज को प्लीज लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट भी करें, जो आसपास आपके लोग आप देखें, जो लोग खाना मांग रहे हैं, रेशन मांग रहे हैं, उन्हें इन्फॉर्म करें कि वो किसी भी गवर्नमेंट की फेयर प्राइस शॉप पे जाके अब रेशन दे सकते हैं बिना किसी कार्ड सिस्टम के। गवर्नमेंट फॉर द रेस्ट ऑफ 2 मंथ्स, नेक्स्ट 2 मंथ्स उन्हें रेशन देगी, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, बहुत जरूरी है, हर किसी को मिलेगा। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली इस पे कितना पैसा खर्च होने वाला है, रुपी 35 करोड़ जो है गवर्नमेंट इसके ऊपर खर्च करने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट हमारे पास क्या है, दैट इज अच्छा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो बहुत लंबे टाइम से इंडिया में चली आ रही है, वो होती है वेजेस का डिस्पैरिटीज। ऐसा होता है कि एक ही जॉब करने की हमारे नेशन में बहुत अलग अलग जगह अलग अलग वेजेस है। जैसे मैं यूके, कैनेडा, इन सब की बात करता हूँ, फॉरेन कंट्रीज की, तो यहाँ एक मिनिमम वेज सिस्टम है जी, एक अनस्किल्ड लेबर है, एक स्किल्ड लेबर है। अगर आप स्किल्ड लेबर हो तो आपका मिनिमम वेज रेट इतना है, इतना ही मिलेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोफेशन और जॉब यू आर परफॉर्मिंग। सिमिलरली इफ आप अनस्किल्ड हो तो वो अनस्किल्ड आप चाहे कुछ भी हो, आप चाहे बर्तन साफ कर रहे हो, चाहे गाड़ी साफ कर रहे हो, चाहे गाड़ी चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सो देयर इज सम मिनिमम वेज, तो वही आपको मिलेगा, कोई आपको उससे कम नहीं दे सकता। अगर दे सकता है तो यू कैन कंप्लेन, देता है तो यू कैन कंप्लेन। ये चीज इंडिया में नहीं थी, आधे से ज्यादा टाइम तो हम जान पहचान में काम कर रहे थे कि भाई मेरी जान पहचान का कोई है, मेरे से खाना खा दिया, तो भाई क्योंकि मेरी जान पहचान है तो हो सकता है कभी कभार सैलरी अच्छी भी मिल जाए और हो सकता है कभी कभार सैलरी ठीक भी ना मिले, लेकिन वो बेचारा शर्म से नहीं बोलता कि चलो सबने लगवाया है तो चलो काम कर ही लेता हूँ। तो इंडिया में ये डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से हम हमेशा से सुनते आए हैं दैट रिचर्स आर गेटिंग रिचर, पुअर्स आर गेटिंग पुअर डे बाय डे। सो ऐसा नहीं है कि इस पॉलिसी से ये डिस्पैरिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, हाँ बट कुछ हद तक ये रिड्यूस हो पाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब ये कहा है कि हम क्या करेंगे, अब हम नेशनल फ्लोर वेज कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे कि पूरे नेशन में एक वेज रेट सेट किया जाएगा कि आप अगर इस कैटेगरी के लेबर है तो मिनिमम आपका इतना वेज होगा। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट गवर्नमेंट के साथ इसके बारे में पहले बात करेगी, उसके बाद करने के बाद स्ट्रिंजेंट लॉस के थ्रू इसको अप्लाई कर देगा। फ्रेंड्स आप अच्छे से जानते हो इंडिया में लॉस तो बहुत बनते हैं, प्रॉब्लम आती है कि वो अप्लीकेबल कितने हो रहे हैं। सो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि इनको एनफोर्स करने के लिए स्ट्रिंजेंट लॉस की हेल्प दी जाएगी ताकि ये अप्लाई किए जा सके, ठीक है। इसके साथ ही साथ वुमेन्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज है इसके अंदर कि हर तरह के काम के वुमेन्स के लिए ओपन किया जाएगा और साथ ही साथ में नाइट को भी काम करना अलाउ किया जाएगा विद प्रॉपर सेफगार्ड प्रोवाइडेड बाय योर गवर्नमेंट, ठीक है। और जो लोग मनरेगा के अंदर थे, आप जानते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट उसके अंदर थे, उसमें पहले जो एक एवरेज वेज था पर डे का वो कितना था 182
अब उसको 182 से बढ़ा करके 202 कर दिया गया है। तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझनी कि अब हमारा इंडिया भी जो वेज डिस्पैरिटी है उससे कुछ हद तक कॉम्बैट कर पाएगा अगर ये एक्ट उतने ही अच्छे से अप्लाई होता है जिस हिसाब से हमारी गवर्नमेंट चाहती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट पॉइंट है रुपीज 70,000 इन हाउसिंग फॉर MIG थ्रू CLSS। देखो आपको पता होगा कि जितने भी मीडियम इनकम ग्रुप के लोग होते हैं गवर्नमेंट ने उनके लिए एक स्कीम चला रखी थी कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको DDA फ्लैट दिए जाते थे। गवर्नमेंट फर्दर उसको एक्सटेंड कर रही है मार्च तक और गवर्नमेंट क्या कर रही है उसके ऊपर 70,000 करोड़ रुपए दोबारा गवर्नमेंट की तरफ से खर्च किए जाएंगे ताकि वैसे इनकम ग्रुप के लोगों को अभी जितनों के पास घर आ चुके हैं ठीक है जिनके पास नहीं आए हैं वो लोग भी अपने लिए घर ले सके। तो गवर्नमेंट इस सिस्टम को अभी मार्च 2021 तक और कंटिन्यू करने वाली है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का टोटल खर्चा 70,000 करोड़ का होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। फिफ्थ हमारे पास क्या है, देखो अब पहले जो माइग्रेंट्स हैं उनके खाने की बात है कि भाई इनको खाना नहीं मिलता तो खाने के लिए गवर्नमेंट ने फेयर प्राइसेस शॉप को एस्टैब्लिश किया, रेशन कार्ड के सिस्टम को लाया। अब सिमिलरली गवर्नमेंट ने क्या करा है, गवर्नमेंट उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम स्टार्ट करने वाली है जिसमें बहुत सस्ते रेट पे उनको घर रेंट पे अवेल करवाया जाएगा जिसके लिए गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट से कहा है कि वो अपने पास से भी फंड्स के अरेंजमेंट करेंगे प्लस साथ ही साथ में प्राइवेट जितने भी बिल्डर्स हैं मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे भी अपील की गई है कि आप अपनी फैक्ट्री अपने लैंड में ही उनके रहने का अरेंजमेंट करें। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ कोर्स आपको इंसेंटिवाइज करेगी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट्स दिए जाएंगे, इसका सारा खर्चा पूरा का पूरा आपको बेयर नहीं करना होगा। तो जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं या जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उन सबसे जितना भी होगा गवर्नमेंट ने कहा है कि हम क्या करेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम को स्टैब्लिश करेंगे। साथ ही साथ में ये जो प्लान है गवर्नमेंट का वो किसके थ्रू प्रूव किया जाएगा, PPP। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ PPP, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिल करके किसी प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं ताकि एक वास्ट एरिया ऑफ लैंड के ऊपर बिल्डिंग्स बनाई जा सके और माइग्रेंट्स को एक प्रॉपर इनके लिए स्टे का अरेंजमेंट किया जा सके ताकि अगर वैसे तो कभी ना ही हो लेकिन अगर इनकेस कुछ भी आगे फ्यूचर में होता है तो दोबारा ऐसी मोहब्बत ना आए कभी भी किसी भी कंट्री के साथ। तो स्पेशली हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशनल रुपी 30,000 करोड़ टू बी प्रोवाइडेड फॉर क्रॉप लोन्स थ्रू नाबार्ड। नाबार्ड आपको पता होगा दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर ग्रांट फॉर रूरल, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फिर देखो ऐसा है, हमें पता है सेंट्रल बैंक के बारे में, अब सेंट्रल बैंक जो कि RBI है वो तो सारे काम तो खुद नहीं कर सकता तो उसने अपने कुछ सब्सिडी बैंक बना रखे हैं। ठीक है, जिन सब्सिडी बैंक का काम होता है अलग अलग सेक्टर पे फोकस करना। ठीक है, या आप कह सकते हैं ये जो बैंक सेंट्रल बैंक ने बनाए हैं ठीक है ये अपने फील्ड के अंदर ही एक सेंट्रल बैंक का काम कर रहे होते हैं। तो नाबार्ड भी एक ऐसा ही सब्सिडरी बैंक है सेंट्रल बैंक का RBI का जिसका काम हमारी कंट्री के अंदर रूरल क्रेडिट से लेके हर काम का है मतलब गांव वगैरह में जितने भी रूरल सेमी रूरल एरियाज है उनमें जितना भी लोन जाता है ठीक है जितना भी उनके अंदर लोन जा रहा है चाहे वो लोन प्रोडक्टिव पर्पस जैसे कि लैंड परचेज करने के लिए सीड्स के लिए है चाहे वो लोन आपका अनप्रोडक्टिव पर्पस मैरिजेस के लिए किसी की डेथ सेरेमनी के लिए किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए है हर तरह के लोगों को कंट्रोल करना और सारी बैंकिंग पॉलिसीज को RBI के एक्ट के अकॉर्डिंगली उन रीजनल रूरल बैंक से और कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू और कमर्शियल बैंक के थ्रू चलाने के लिए नाबार्ड को एस्टैब्लिश किया। तो नाबार्ड हमारी कंट्री के अंदर सारा रूरल क्रेडिट को देखता है। तो नाबार्ड को एडिशनल 30,000 करोड़ दिया गया है। नाउ व्हाई इट इज एडिशनल, क्योंकि गवर्नमेंट पहले ही रुपी 90,000 करोड़ दे चुकी थी, अब ऊपर से और रुपी 30,000 करोड़ का अमाउंट जो है वो सैंक्शन किया गया है इन्हीं के लिए ताकि इनके पास फार्मर्स के पास टाइमली पैसा पहुंचे और वो अपनी क्रॉप की प्रोडक्शन और सब चीजों को देख पाए। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेस्ट सब्वेंशन ऑफ 2%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने एक मुद्रा स्कीम निकाली थी दैट वाज माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसका काम क्या था, अप टू 10 लाख जो भी आपको लोन चाहिए अप टू 10 लाख तक का जो भी लोन था वो आप मुद्रा के थ्रू ले सकते थे।
गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप 12 महीने के अंदर अंदर अपनी पेमेंट कर देंगे तो 2% से भी आपको कम देना पड़ेगा, मतलब 2% आपको कम देना पड़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि पहले आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 7% का, अगर आप 12 महीने के पीरियड के अंदर पे कर देते हैं तो आपको सिर्फ 5% में पेमेंट देनी पड़ेगी और बाकी सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मुद्रा स्कीम के अंदर किया गया है उन लोगों के लिए जिनके पास अगर लिक्विडिटी है तो वो गवर्नमेंट से 2% का बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर शिशु लोन्स के ऊपर, शिशु लोन क्या है, जैसे जो मुद्रा है मुद्रा ने लोन्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ योर ग्रोथ। तो शिशु जो सबसे बेसिक लेवल पे आ जाते हैं, जो मतलब बिल्कुल आपने बिल्कुल बेसिक स्टेज पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल इनिशियल लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके लिए स्कीम निकाली गई है। हाँ जी, अब आपको पता है कि जब ये लॉकडाउन हुआ तो इससे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनका बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर पटरी पे काम करने वाले लोग और डेली मार्केट लगाने वाले लोग बहुत सारे हैं, हर एरिया में होते हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा। तो गवर्नमेंट ने इनके लिए भी स्कीम निकाली है, 10,000 रुपये हर एक स्ट्रीट वेंडर को दिए जाएंगे। ठीक है, किसके लिए, काम करने के लिए, जो कि कवर करेगा इंडिया में 50 लाख टोटल स्ट्रीट वेंडर्स को ये पर्टिकुलर चीज़ कवर करने वाली है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 10,000 रुपये ईच वेंडर को दिए जाएंगे एज अ लोन, ठीक है, वर्किंग कैपिटल के तौर पे। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय वर्किंग कैपिटल फ्रेंड्स, देयर आर टू कैपिटल्स, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जो कि बिजनेस में उसकी लैंड, उसके मशीनरी, इस पे इन्वेस्ट की जाती है जो कि बिजनेस को लंबे टाइम तक सर्व करती है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो आपको रोज के लिए चाहिए काम करने के लिए। सपोजिटली मुझे इन वीडियोस को बनाने के लिए एक लैपटॉप, एक इंटरनेट कनेक्शन और एक राउटर और एक कैमरा, ये सब कुछ चाहिए, ये मेरी फिक्स्ड कैपिटल है क्योंकि ये हमेशा ऐसे ही रहने वाली है। लेकिन सपोज इफली मैं किसी एक पर्सन को बुलाता हूँ, ठीक है, और कोई अलग अलग क्रू मेंबर्स वगैरह आते हैं जो थोड़ा बहुत ऑपरेशंस में काम करते हैं, ये वर्किंग कैपिटल है। इनको जब बुलाऊंगा तो पेमेंट करूंगा, जब नहीं बुलाऊंगा तो पेमेंट नहीं करूंगा, और हर बार ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, हर बार चेंज होता है। तो वेंडर्स के लिए जो माल आया है ना, तो जो भी वो माल खरीद लें वो वर्किंग कैपिटल है, क्योंकि वो माल खरीदेंगे बेचेंगे पैसा आ जाएगा। लेकिन सपोज इफली मान लो आप जाते हो कि एक उसका रेडी है, वो रेडी क्या उसकी, वो उसकी फिक्स कैपिटल है क्योंकि वो उसको बेचेगा नहीं, वो उसके एक असेट के तौर पे काम करेगा, है ना। लेकिन जो रेडी पे सामान को बेच रहा है उसके लिए उसे वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, चाय पानी का खर्चा उसे वर्किंग कैपिटल में, तो उनको वर्किंग कैपिटल दी जाएगी 10,000 रुपये की, ताकि वो वापस से अपना काम शुरू कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास क्या कि गवर्नमेंट कैंपा फंडिंग। कैंपा क्या है, कॉम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इसके थ्रू 6,000 करोड़ रुपए का खर्चा करेगी जिससे कि रूरल और अर्बन एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट की जा सके। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट इस एक्ट के थ्रू करने क्या वाली है, 6,000 करोड़ का इन्फ्यूजन करेगी हमारी इकोनॉमी में, जिससे कि अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल एरियाज के अंदर छोटे छोटे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किए जा सके, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट वापस जनरेट की जा सके। ठीक है, एंड लास्ट हमारे पास है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने कंसेशनल क्रेडिट कार्ड निकाले हैं, कितने अमाउंट तक के, 2,00,000 करोड़ के, जो कि 2.5 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट करने वाले हैं। इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर से जुड़े फार्मर्स नहीं है, इसमें फिशरमैन और एनिमल हस्बेंड्री में जो लोग, मतलब प्राइमरी सेक्टर जिसे आप हम लोग जिसे हम लोग जानते हैं मेजरली प्राइमरी सेक्टर के नाम से, क्योंकि आप जानते हो एमएसएमई के अंदर प्राइमरी सेक्टर नहीं आता, वो मैंने एमएसएमई वाली वीडियो में बताया था, अगर आपने देखा है तो ठीक, नहीं तो ऊपर आईआईटी प्रोफेसर के एमएसएमई की जो एक डेफिनेशन है और एमएसएमई में क्या क्या आता है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एमएसएमई जो है वो प्राइमरी सेक्टर को कवर नहीं करता, ताकि वो भी ना छूटे गवर्नमेंट से, उसके लिए गवर्नमेंट ने कंसेशनल क्रेडिट कार्ड स्कीम निकाली है जो कि 2,00,000 रुपए तक की लिमिट का है और 2.5 करोड़ फार्मर्स को इसका बेनिफिट होगा। फिशरमैन, क्योंकि देखो हम जानते हैं जो लैंड कोस्टल एरिया के पास है, तो कोस्टल एरिया के पास फार्मिंग एक बहुत अच्छा वेंचर नहीं होता, राइट। तो वहाँ पे लोग फिशिंग को एक मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड लेके चलते हैं, तो उनका भी तो बिजनेस बहुत बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। तो उनके बिजनेस को लिक्विडिटी देने के लिए, प्लस एनिमल हस्बेंड्री, आप जानते हैं कि जब से ये चीज़ हुई है कोरोना की वजह से, तब से लोगों का चिकन, नॉनवेज ये सब ऑलमोस्ट बंद हो गया, तो इन लोगों का भी बिजनेस कितना कितना अफेक्ट हुआ है, कितने कितने लाख चिकन को आपने सुनी होगी न्यूज़ तमिलनाडु के अंदर बिल्कुल भरी कर दिया गया था। सो दैट इज द रीजन कि इन लोगों को भी गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया है और ये सारे बेनिफिट्स को अवेल करवाया है, राइट।
एक बार देख लेते हैं कि कैसे बजट सैंक्शन हुआ। फ्री फूड रेट सप्लाई टू माइग्रेंट वर्कर्स फॉर 2 मंथ्स, हमने यही कहा था कि 5 किलो उनको चावल और 5 किलो उनको वीट मिलेगा, 1 किलो चना हर फैमिली को, उसके ऊपर 3500 करोड़ का खर्चा है, ठीक है। इंटरनेट सप्लीमेंटेशन जो 2% का होगा उसके अकॉर्डिंगली 1500 करोड़ का खर्चा वहां पे है। स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी टू स्ट्रीट वेंडर्स, 10,000 रुपए दिया गया 50 लाख को, तो 5,000 करोड़ का खर्चा गवर्नमेंट का यहाँ पे होता है, ठीक है। हाउसिंग क्लास MIG जो हाउसिंग क्लास में खर्चा हो रहा है तो कितना हो रहा है, दैट इज 70,000 करोड़ का खर्चा ये हो रहा है, ठीक है। इसके बाद एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल थ्रू नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड को जो दिया गया पैसा एडिशनल कैपिटल दी गई क्रॉप्स को लेने के लिए, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन के 30,000 करोड़, एंड एडिशनल क्रेडिट कार्ड उसमें कितना खर्चा है गवर्नमेंट का 2 लाख। तो फ्रेंड्स यहाँ तक का जो टोटल होता है, सेकेंड हमारे पास जो स्टिमुलस पैकेज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, उस स्टिमुलस पैकेज का जो टोटल खर्चा है वो कितना है, 3,10,000, राइट। तो दो आपको मैंने ट्रांस बता दी, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट ट्रांस को लेकर के, कि नेक्स्ट ट्रांस में गवर्नमेंट ने क्या किया है और क्या क्या चीजें आई है, एंड लास्ट में हम जानेंगे इस बात को कि गवर्नमेंट जो ये 2 लाख जो गवर्नमेंट ये 20 लाख करोड़ की फंडिंग कर रही है, ये फंडिंग कैसे की जाएगी और इसमें कितनी बात की रियलिटी है कि कितना गवर्नमेंट फंडिंग करने वाली है। तो गरीब की हर समय चिंता किसने की, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। और कल भी जो आपकी चिंता का विषय था, और हम सब भी देखते हैं कि जो गरीब वापस भी जा रहा है उसकी मदद कैसे की जाए, तो आज हम आप सबके सामने आए हैं। कल MSME सेक्टर की मदद की, तो 12 करोड़ लोगों को ये मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योग रोजगार देते हैं। अगर उनकी मदद हुई तो अप्रत्यक्ष तौर पर गरीब मजदूर की मदद भी कल की गई। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आपने एक वीडियो क्लिप में देखा कि आज हम बात करने वाले हैं ट्रांस 2 की। इससे पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था, एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें हमने ट्रांस 1 के बारे में समझा था कि जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है वो किस हिसाब से ब्रेकडाउन हुआ है। तो जिन्होंने ट्रांस 1 देख लिया है अच्छा है, जिन्होंने ट्रांस नहीं देखा है वो प्लीज़ ऊपर आइकन पे क्लिक करके ट्रांस 1 देख लें। तो पहला जो ट्रांस था उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था, बिजनेस इंक्लूडिंग MSMEs, मतलब जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, हमने उनके बारे में स्टडी किया। अगर हम उस चीज़ को एक बार थोड़ा डीपली देखें, वो कहीं ना कहीं जब मैंने आपसे कहा था कि 11 करोड़ लोग जो है एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, MSMEs के सेक्टर के अंदर, तो आप इवेंचुअली इस बात को समझो कि जो बहुत पुअर और जो माइग्रेंट्स हैं उनमें से बहुत से लोग होंगे जिनको उस इंडस्ट्रीज में काम मिला था, ठीक है। इससे पहले आपने एक वीडियो क्लिप भी देखी कि किस तरीके से जो एक वुमेन है अपने बच्चे को लेकर के जा रही है। तो आज का जो ट्रांस है, मतलब जो ट्रांस 2 गवर्नमेंट ने प्रपोज किया, वो ट्रांस 2 ऐसे ही माइग्रेंट्स और जो पुअर फार्मर्स हैं हमारी कंट्री के, उनके बारे में ही है। सो लेट्स जस्ट हैव अ लुक के इस ट्रांस में क्या किया गया है उन लोगों के लिए, ठीक है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज टेक्नोलॉजी सिस्टम। देखिए आप ऐसे समझो, अभी कुछ टाइम पहले GST अनाउंस हुआ था, GST के लिए एक बहुत अच्छा टैगलाइन यूज किया गया था, वन नेशन वन टैक्स, जैसे पहले वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज, ये हर जगह अलग अलग होता था, बट इन सबको बाद में मर्ज करके वन नेशन वन टैक्स बना दिया। सिमिलरली गवर्नमेंट उसी एक नए आइडिया को लेके आई है, और वो आइडिया ये है कि अब हमारी कंट्री में एक नेशन एक रेशन कार्ड होगा। जैसे हर स्टेट में जाते हैं भाई, हर स्टेट का एक अलग रेशन कार्ड है, तो अगर आप UP से हैं, दिल्ली में आपको राशन नहीं मिल रहा क्योंकि उस रेशन कार्ड को यहाँ पे वैलिड नहीं माना जा रहा। गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर दिया, क्योंकि माइग्रेंट्स को इस टाइम पे खाने की सबसे बड़ी दिक्कत हुई, सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत, और उनका ये भी कह रहा था कि कितने दिन तक कोई उसको अपने घर से खाना खिलाएगा, इज़न्ट इट। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम को एस्टैब्लिश किया, जिससे कि पूरे नेशन में अब सिर्फ एक रेशन कार्ड होगा। उस रेशन कार्ड के बेसिस पे इरिस्पेक्टिव ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट और एरिया ऑफ योर बर्थ, ठीक है, आपके होम टाउन से मतलब नहीं है, वो UP का है, वो उड़ीसा का है, वो केरला का है, ठीक है, कहीं से भी आप होंगे, आप एक रेशन कार्ड के बेसिस पे एंटायर आप अपने नेशन के अंदर कहीं भी फेयर प्राइस, जो गवर्नमेंट की रेशन शॉप्स होती है PDS सिस्टम के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो रन करती है, आप वहाँ से रेशन ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि बाय मार्च 2021 पूरे नेशन में अप्लाई हो जाए। सो लेट्स हैव अ लुक।
Technology systems being put into place to enable usage of ration cards for procuring food at any fair price shop in India. That is one nation card. ठीक है, एक ही नेशन और एक ही रेशन कार्ड जो पूरे वर्ल्ड में होगा. हर जगह जाके नए रेशन कार्ड आपको अप्लाई नहीं करना है. जो गवर्नमेंट एस्टिमेशन है उससे इसके अकॉर्डिंग 67 करोड़ लोगों को क्या होने वाला है, इसका बेनिफिट मिलने वाला है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. अब इसके बाद क्या हुआ है, अब जिसे जो माइग्रेंट्स अब अटक गए, रह गए बेचारे, वो घर नहीं जा पा रहे किसी भी वजह से, तो गवर्नमेंट ने अब यही कहा है कि उनकी इनकम सबसे ज्यादा अफेक्टेड अगर कोई हुआ है इससे, तो वो जो पुअर मार्जिनल फार्मर्स और माइग्रेंट वर्कर्स हैं फ्रेंड्स, सिर्फ वही हुए हैं. क्योंकि अगर मैं आपकी और मेरी बात करता हूँ, तो आप और मैं तो घर बैठे हुए, मैं अपने काम अपने सोर्सेज के थ्रू वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ. आप अपने सोर्सेज के थ्रू उनको एक्सेस करके नॉलेज गेन कर पा रहे हो, नहीं तो इंस्टा फेसबुक एंड देयर लॉट टू डू. आप अपने घर पे बहुत कुछ कर सकते हैं. ठीक है, और ऊपर से हमारे पास पेइंग कैपेसिटी अच्छी है, परचेजिंग पावर अच्छी है, तो हमने लॉकडाउन की न्यूज़ सुन के ही सारा रेशन अपने घर में स्टोर कर लिया. लेकिन व्हाट अबाउट देम, वो तो वो लोग थे ना जो लोग रोज अर्निंग करते थे, तो उनकी रोज की अर्निंग थी, उसके बेसिस पे वो बेचारे शाम को अपना जो भी अर्न करते थे उसके बेसिस पे लेके आते थे. तो वो जो रोज की अर्निंग चली गई, जब बिजनेस ही चले गए, जब वही खत्म हो गया, तो सोचो उनके पास खाना कहाँ से आएगा और वो कैसे अपने रेशन का अरेंजमेंट करेंगे. सो हमारी गवर्नमेंट ने उनके लिए बहुत अच्छा पैकेज निकाला है, और वो ये है कि अगले 2 महीने तक, अभी तक तो दिया जा ही रहा था, अगले 2 महीने तक 8 करोड़ माइग्रेंट जो हैं उनको 2 महीने तक राशन दिया जाएगा, जिसमें 5 किलो चावल और क्या होगा वीट गेहूँ पर पर्सन इंक्लूड होगा, और पर फैमिली में 1 किलो चना, ठीक है, जिसे आप ब्लैक पीस बोलते हैं, ये हर किसी को दिया जाएगा. ठीक है, बात यह है माइग्रेंट्स और नीदर NFSA और स्टेट कार्ड बेनिफिशियरीज. अब NFSA क्या, दैट इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. ठीक है, इस एक्ट को 2015 में पास किया गया था, जिसका काम ये था कि जितने भी लोग इसके अंदर एनरोल्ड होंगे उन सबको गवर्नमेंट क्या करेगी, फूड सिक्योरिटी, वो रेशन सिस्टम वाला हिसाब है, फूड सिक्योरिटी देगी. लेकिन अब ये कहा गया है, चाहे आप अपने स्टेट में, चाहे आप NFSA में हैं या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको भी रेशन मिलेगा. ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप इस चीज़ को प्लीज लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट भी करें, जो आसपास आपके लोग आप देखें, जो लोग खाना मांग रहे हैं, रेशन मांग रहे हैं, उन्हें इन्फॉर्म करें कि वो किसी भी गवर्नमेंट की फेयर प्राइस शॉप पे जाके अब रेशन ले सकते हैं बिना किसी कार्ड सिस्टम के. गवर्नमेंट फॉर द रेस्ट ऑफ 2 मंथ्स, नेक्स्ट 2 मंथ्स उन्हें रेशन देगी. ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, बहुत जरूरी है, हर किसी को मिलेगा. गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली इस पे कितना पैसा खर्च होने वाला है, ₹35 करोड़ जो है गवर्नमेंट इसके ऊपर खर्च करने वाली है. नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट हमारे पास क्या है, दैट इज अच्छा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो बहुत लंबे टाइम से इंडिया में चली आ रही है, वो होती है वेजेस का डिस्पैरिटीज. ऐसा होता है कि एक ही काम करने के हमारे नेशन में बहुत अलग अलग जगह अलग अलग वेजेस है. जैसे मैं UK, कैनेडा, इन सब की बात करता हूँ, फॉरेन कंट्रीज की, तो यहाँ एक मिनिमम वेज सिस्टम है जी. एक अनस्किल्ड लेबर है, एक स्किल्ड लेबर है. अगर आप स्किल्ड लेबर हो तो आपका मिनिमम वेज रेट इतना है, इतना ही मिलेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोफेशन और जॉब यू आर परफॉर्मिंग. सिमिलरली इफ आप अनस्किल्ड हो, तो वो अनस्किल्ड आप चाहे कुछ भी हो, आप चाहे बर्तन साफ कर रहे हो, चाहे आप गाड़ी साफ कर रहे हो, चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सो देयर इज सम मिनिमम वेज, तो वही आपको मिलेगा, कोई आपको उससे कम नहीं दे सकता. अगर दे सकता है तो यू कैन कंप्लेन, देता है तो यू कैन कंप्लेन. ये चीज़ इंडिया में नहीं थी, आधे से ज़्यादा टाइम तो हम जान पहचान में काम कर रहे थे कि भाई मेरी जान पहचान का कोई है, मैंने उसे वहाँ लगवा दिया, तो भाई क्योंकि मेरी जान पहचान है तो हो सकता है कभी कभार सैलरी अच्छी भी मिल जाए, और हो सकता है कभी कभार सैलरी ठीक भी ना मिले, लेकिन वो बेचारा शर्म से नहीं बोलता कि चलो सर ने लगवाया है तो चलो काम कर ही लेता हूँ. तो इंडिया में ये डिस्पैरिटीज बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से हम हमेशा से सुनते आए हैं दैट रिचर्स आर गेटिंग रिचर, पुअर्स आर गेटिंग पुअर डे बाई डे. सो ऐसा नहीं है कि इस पॉलिसी से ये डिस्पैरिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, हाँ बट कुछ हद तक ये रिड्यूस हो पाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब ये कहा है कि हम क्या करेंगे, अब हम नेशनल फ्लोर वेज कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे कि पूरे नेशन में एक वेज रेट सेट किया जाएगा कि आप अगर इस कैटेगरी के लेबर है तो मिनिमम आपका इतना वेज होगा. हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट गवर्नमेंट के साथ इसके बारे में पहले बात करेंगी, उसके बात करने के बाद स्ट्रिंजेंट लॉस के थ्रू इसको अप्लाई किया जाएगा. फ्रेंड्स आप अच्छे से जानते हो इंडिया में लॉस तो बहुत बनते हैं, प्रॉब्लम आती है कि वो अप्लीकेबल कितने हो रहे हैं.
सो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि इनको एनफोर्स करने के लिए स्ट्रिंजेंट लॉस की हेल्प ली जाएगी ताकि ये अप्लाई किए जा सके, ठीक है। इसके साथ ही साथ वुमेन्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज है इसके अंदर कि हर तरह के काम के वुमेन्स के लिए ओपन किया जाएगा और साथ ही साथ में नाइट को भी काम करना अलाउ किया जाएगा विद प्रॉपर सेफगार्ड प्रोवाइडेड बाय योर गवर्नमेंट, ठीक है। और जो लोग मनरेगा के अंदर थे, आप जानते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट उसके अंदर थे, उसमें पहले जो एक एवरेज वेज था पर डे का वो कितना था 182, अब उसको 182 से बढ़ा करके 202 कर दिया गया है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझनी कि अब हमारा इंडिया भी जो वेज डिस्पैरिटी है उससे कुछ हद तक कॉम्बैट कर पाएगा अगर ये एक्ट उतने ही अच्छे से अप्लाई होता है जिस हिसाब से हमारी गवर्नमेंट चाहती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट पॉइंट है ₹70,000 इन हाउसिंग फॉर MIG थ्रू CLSS। देखो आपको पता होगा कि जितने भी मीडियम इनकम ग्रुप के लोग होते हैं गवर्नमेंट ने उनके लिए एक स्कीम चला रखी थी कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको DDA फ्लैट दिए जाते थे। गवर्नमेंट फर्दर उसको एक्सटेंड कर रही है मार्च तक और गवर्नमेंट क्या कर रही है उसके ऊपर 70,000 करोड़ रुपए दोबारा गवर्नमेंट की तरफ से खर्च किए जाएंगे ताकि वैसे इनकम ग्रुप के लोगों को अभी जितनों के पास घर आ चुके हैं, ठीक है, जिनके पास नहीं आए हैं वो लोग भी अपने लिए घर ले सके। तो गवर्नमेंट इस सिस्टम को अभी मार्च 2021 तक और कंटिन्यू करने वाली है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का टोटल खर्चा 70,000 करोड़ का होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ हमारे पास क्या है, देखो अब पहले जो माइग्रेंट्स हैं उनके खाने की बात है कि भाई उनको खाना नहीं मिलता तो खाने के लिए गवर्नमेंट ने फेयर प्राइसेस शॉप को एस्टैब्लिश किया, रेशन कार्ड के सिस्टम को लाया। अब सिमिलरली गवर्नमेंट ने क्या करा है, गवर्नमेंट उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम स्टार्ट करने वाली है जिसमें बहुत सस्ते रेट पे उनको घर रेंट पे अवेल करवाया जाएगा, जिसके लिए गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट से कहा है कि वो अपने पास से भी फंड्स के अरेंजमेंट करेंगे प्लस साथ ही साथ में प्राइवेट जितने भी बिल्डर्स हैं मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे भी अपील की गई है कि आप अपनी फैक्ट्री अपने लैंड में ही उनके रहने का अरेंजमेंट करें। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ कोर्स आपको इंसेंटिवाइज करेगी, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट्स दिए जाएंगे, इसका सारा खर्चा पूरा का पूरा आपको बेयर नहीं करना होगा। तो जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं या जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उन सब से जितना भी होगा गवर्नमेंट ने कहा है कि हम क्या करेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम को स्टैब्लिश करेंगे। साथ ही साथ में ये जो प्लान है गवर्नमेंट का वो किसके थ्रू प्रूव किया जाएगा, PPP। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ PPP, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिल करके किसी प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं ताकि एक वास्ट एरिया ऑफ लैंड के ऊपर बिल्डिंग्स बनाई जा सके और इन माइग्रेंट्स को एक प्रॉपर इनके लिए स्टे का अरेंजमेंट किया जा सके ताकि अगर वैसे तो कभी ना ही हो लेकिन अगर इनकेस कुछ भी आगे फ्यूचर में होता है तो दोबारा ऐसी नौबत ना आए कभी भी किसी भी कंट्री के साथ। तो स्पेशली हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशनल ₹30,000 करोड़ टू बी प्रोवाइडेड फॉर क्रॉप लोन्स थ्रू नाबार्ड। नाबार्ड आपको पता होगा दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फिर देखो ऐसा है, हमें पता है सेंट्रल बैंक के बारे में, तो अब सेंट्रल बैंक जो कि RBI है वो तो सारे काम तो खुद नहीं कर सकता तो उसने अपने कुछ सब्सिडी बैंक बना रखे हैं, ठीक है, जिन सब्सिडी बैंक का काम होता है अलग अलग सेक्टर पे फोकस करना, ठीक है। या कह सकते हैं ये जो बैंक सेंट्रल बैंक ने बनाए हैं, ठीक है, ये अपने फील्ड के अंदर ही एक सेंट्रल बैंक का काम कर रहे होते हैं। तो नाबार्ड भी एक ऐसा ही सब्सिडरी बैंक है सेंट्रल बैंक का RBI का, जिसका काम हमारी कंट्री के अंदर रूरल क्रेडिट से लेके हर काम का है, मतलब गांव वगैरह में जितने भी रूरल सेमी रूरल एरियाज हैं उनमें जितना भी लोन जाता है, ठीक है, जितना भी उनके अंदर लोन जा रहा है चाहे वो लोन प्रोडक्टिव पर्पस जैसे कि लैंड परचेज करने के लिए सीड्स के लिए है, चाहे वो लोन आपका अनप्रोडक्टिव पर्पस मैरिजेस के लिए किसी की डेथ सेरेमनी के लिए किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए है, हर तरह के लोन को कंट्रोल करना और सारी बैंकिंग पॉलिसीज को RBI के एक्ट के अकॉर्डिंगली उन रीजनल रूरल बैंक से और कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू और कमर्शियल बैंक के थ्रू चलाने के लिए नाबार्ड को स्टैब्लिश किया गया। तो नाबार्ड हमारी कंट्री के अंदर सारा रूरल क्रेडिट को देखता है।
तो नाबार्ड को एडिशनल 30,000 करोड़ दिया गया है। नाउ व्हाई इट इज एडिशनल, क्योंकि गवर्नमेंट पहले ही रुपी 90,000 करोड़ दे चुकी थी, अब ऊपर से और रुपी 30,000 करोड़ का अमाउंट जो है वो सैंक्शन किया गया है इन्हीं के लिए, ताकि इनके पास, फार्मर्स के पास टाइमली पैसा पहुंचे और वो अपनी क्रॉप के प्रोडक्शन और सब चीज़ों को देख पाए। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेस्ट सब्वेंशन ऑफ 2%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने एक मुद्रा स्कीम निकाली थी, दैट वाज माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसका काम क्या था? अप टू 10 लाख जो भी आपको लोन चाहिए, अप टू 10 लाख तक का जो भी लोन था वो आप मुद्रा के थ्रू ले सकते थे। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप 12 महीने के अंदर अंदर अपनी पेमेंट कर देंगे तो 2% से भी आपको कम देना पड़ेगा, मतलब 2% आपको कम देना पड़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि पहले आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 7% का, अगर आप 12 महीने के पीरियड के अंदर पे कर देते हैं तो आपको सिर्फ 5% में पेमेंट देनी पड़ेगी और बाकी सारा काम कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो ये मुद्रा स्कीम के अंदर किया गया है उन लोगों के लिए जिनके पास अगर लिक्विडिटी है तो वो गवर्नमेंट से 2% का बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। ठीक है, किसके ऊपर? शिशु लोन्स के ऊपर। शिशु लोन्स क्या है? जैसे जो मुद्रा है, मुद्रा ने लोन्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ योर ग्रोथ। तो शिशु जो सबसे बेसिक लेवल पे आ जाते हैं, जो मतलब बिल्कुल आप में बिल्कुल बेसिक स्टेज पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल इनिशियल लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके लिए स्कीम निकाली गई है। हाँ जी, अब आपको पता है कि जब ये लॉकडाउन हुआ तो इससे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनका बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर पटरी पे काम करने वाले लोग और डेली मार्केट लगाने वाले लोग बहुत सारे हैं, हर एरिया में होते हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा। तो गवर्नमेंट ने इनके लिए भी स्कीम निकाली है, 10,000 रुपये हर एक स्ट्रीट वेंडर को दिए जाएंगे। ठीक है, किसके लिए? काम करने के लिए, जो कि कवर करेगा इंडिया में 50 लाख टोटल स्ट्रीट वेंडर्स को ये पर्टिकुलर चीज़ कवर करने वाली है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 10,000 रुपये ईच वेंडर को दिए जाएंगे एज अ लोन, ठीक है, वर्किंग कैपिटल के तौर पे। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय वर्किंग कैपिटल? फ्रेंड्स, देयर आर टू कैपिटल्स, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जो कि बिजनेस में उसकी लैंड, उसके मशीनरी, इस पर इन्वेस्ट की जाती है, जो कि बिजनेस को लंबे टाइम तक सर्व करती है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो आपको रोज के लिए चाहिए काम करने के लिए। सपोजली मुझे इन वीडियोस को बनाने के लिए एक लैपटॉप, एक इंटरनेट कनेक्शन और एक राउटर और एक कैमरा, ये सब कुछ चाहिए, ये मेरी फिक्स्ड कैपिटल है, क्योंकि ये हमेशा ऐसे ही रहने वाली है। लेकिन सपोजली मैं किसी एक पर्सन को बुलाता हूँ, ठीक है, और कोई अलग अलग क्रू मेम्बर्स वगैरह आते हैं जो थोड़ा बहुत ऑपरेशन में काम करते हैं, ये वर्किंग कैपिटल, इनको जब बुलाऊंगा तब पेमेंट करूंगा, जब नहीं बुलाऊंगा तब पेमेंट नहीं करूंगा, और हर बार ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, हर बार चेंज होता है। तो वेंडर्स के लिए जो माल आया है ना, तो जो भी वो माल खरीद ले वो वर्किंग कैपिटल है, क्योंकि वो माल खरीदेंगे, बेचेंगे, पैसा आ जाएगा। लेकिन सपोज इफ़ मान लो आप जाते हो कि एक उसका रेडी है, वो रेडी क्या उसकी, वो उसकी फिक्स कैपिटल है, क्योंकि वो उसको बेचेगा नहीं, वो उसके एक असेट के तौर पर काम करेगा, है ना। लेकिन जो रेडी का सामान वो बेच रहा है उसके लिए उसे वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, चाय पानी का खर्चा, उसे वर्किंग कैपिटल में होते हैं, तो उनको वर्किंग कैपिटल दी जाएगी 10,000 रुपए की, ताकि वो वापस से अपना काम शुरू कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास क्या कि गवर्नमेंट कैंपा फंडिंग। कैंपा क्या है? कॉम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इसके थ्रू 6,000 करोड़ रुपए का खर्चा करेगी, जिससे कि रूरल और अर्बन एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट की जा सके। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट इस एक्ट के थ्रू करने क्या वाली है, 6,000 करोड़ का इन्फ्यूजन करेगी हमारी इकोनॉमी में, जिससे कि अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल एरियाज के अंदर छोटे छोटे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किए जा सके, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट वापस जनरेट की जा सके। ठीक है, एंड लास्ट हमारे पास है गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने कंसेशनल क्रेडिट कार्ड निकाले हैं, कितने अमाउंट तक के, 2 लाख करोड़ के, जो कि 2.5 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट करने वाले हैं। इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर से जुड़े फार्मर्स नहीं है, इसमें फिशरमैन और एनिमल हस्बेंड्री में जो लोग, मतलब प्राइमरी सेक्टर जिसे आप हम लोग, जिसे हम लोग जानते हैं मेजरली प्राइमरी सेक्टर के नाम से, क्योंकि आप जानते हो MSMEs के अंदर प्राइमरी सेक्टर नहीं आता, वो मैंने MSME वाली वीडियो में बताया था, अगर आपने देखा है तो ठीक, नहीं तो ऊपर आई आइकन को प्रेस करके MSME की जो नई डेफिनेशन है और MSMEs में क्या क्या आता है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो MSMEs जो है वो प्राइमरी सेक्टर को कवर नहीं करता, ताकि वो भी ना छूटे गवर्नमेंट से, उसके लिए गवर्नमेंट ने कंसेशनल क्रेडिट कार्ड स्कीम निकाली है, जो कि 2 लाख रुपये तक की लिमिट का है और 2.5 करोड़ फार्मर्स को इसका बेनिफिट होगा। फिशरमैन, क्योंकि देखो हम जानते हैं जो
लैंड कोस्टल एरिया के पास है, तो कोस्टल एरिया के पास फार्मिंग एक बहुत अच्छा वेंचर नहीं होता, राइट। तो वहाँ पे लोग फिशिंग को एक मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड लेके चलते हैं, तो उनका भी तो बिजनेस बहुत बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। तो उनके बिजनेस को लिक्विडिटी देने के लिए प्लस एनिमल हस्बेंड्री, आप जानते हैं कि जब से ये चीज़ हुई है कोरोना की वजह से, तब से लोगों का चिकन नॉनवेज ये सब ऑलमोस्ट बंद हो गया, तो इन लोगों का भी बिजनेस कितना कितना अफेक्ट हुआ है। कितने कितने लाख चिकन को आपने सुनी होगी न्यूज़ तमिलनाडु के अंदर बिल्कुल बरी कर दिया गया था। सो दैट इज़ द रीज़न कि इन लोगों को भी गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया है और ये सारे बेनिफिट्स को अवेल करवाया है, राइट। एक बार ये देख लेते हैं कि कैसे कैसे वजह सैंक्शन हुआ है। फ्री फूड रेल सप्लाई टू माइग्रेंट वर्कर्स फॉर 2 मंथ्स, हमने यही कहा था कि 5 किलो उनको चावल और 5 किलो उनको वीट मिलेगा, 1 किलो चना हर फैमिली को, उसके ऊपर 3500 करोड़ 3500 करोड़ का खर्चा है, ठीक है। इंटरेस्ट सप्लीमेंटेशन जो 2% का होगा उसके अकॉर्डिंगली 1500 करोड़ का खर्चा वहाँ पे है। स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी टू स्ट्रीट वेंडर्स 10,000 रुपये दिया गया 50 लाख को, तो 5,000 करोड़ का खर्चा गवर्नमेंट का यहाँ पे होता है, ठीक है। हाउसिंग क्लास MIG जो हाउसिंग क्लास पे खर्चा हो रहा है कितना हो रहा है, दैट इज 70,000 करोड़ का खर्चा ये हो रहा है, ठीक है। इसके बाद एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल थ्रू नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड को जो दिया गया पैसा एडिशनल कैपिटल दी गई क्रॉप्स को लेने के लिए, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन के 30,000 करोड़, एंड एडिशनल क्रेडिट कार्ड उसमें कितना खर्चा है गवर्नमेंट का 2 लाख। तो फ्रेंड्स यहाँ तक का जो टोटल होता है, सेकेंड हमारे पास जो स्टिमुलस पैकेज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, उस स्टिमुलस पैकेज का जो टोटल खर्चा है वो कितना है, 3,10,000, राइट। तो दो आपको मैंने ट्रांस बता दिए, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं आपसे बात करूँगा नेक्स्ट ट्रांस को लेकर के, कि नेक्स्ट ट्रांस में गवर्नमेंट ने क्या किया है और क्या क्या चीज़ें आई हैं, एंड लास्ट में तो हम जानेंगे ये इस बात को कि गवर्नमेंट जो ये 2 लाख जो गवर्नमेंट ये 20 लाख करोड़ की फंडिंग कर रही है, ये फंडिंग कैसे की जाएगी और इसमें कितनी बात की, कितनी बात की रियलिटी है कि कितना गवर्नमेंट फंडिंग करने वाली है। टुडे द थर्ड ट्रांस ऑफ अनाउंसमेंट्स व्हिच आर बीइंग मेड is focusing on agriculture and allied activities, agriculture, fisheries, dairy, animal husbandry and allied activities. Hello friends, so jaisa ki video clip mein aapne dekha, aaj jo topic hum karne wale hain, that is the third tranche of economic package announced by ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑन 15th of May, ठीक है। देखो आपके सामने लिखा ही हुआ है कि आज का जो टॉपिक है, और आपने वीडियो क्लिप में देखा ही कि आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के बारे में, लेकिन एग्रीकल्चर में जो पॉलिसीज या जो रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया है, क्या चेंजेस को लाया गया है, उसको करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा एग्रीकल्चर के बारे में। क्योंकि जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की और स्पेसिफिकली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब एग्रीकल्चर की बात की जाती है, तो ये अपने आप में एक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी के लिए। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपका जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको समझ में आए कि क्यों एग्रीकल्चर को इस लेवल पर प्रमोट किया गया है और क्यों रिफॉर्म्स की एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़रूरत है, ठीक है। तो देखते हैं, सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्रीकल्चर के बारे में, पहले इनको जरा पढ़ लें। पहला पॉइंट, इट इज़ द कंट्रीज लार्जेस्ट प्राइवेट एंटरप्राइज। हमारी कंट्री के अंदर जितने भी प्राइवेट बिजनेस हैं, उन प्राइवेट बिजनेस में सबसे लार्जेस्ट अगर कोई प्राइवेट एंटरप्राइज है, मतलब इन टर्म्स ऑफ GDP कॉन्ट्रीब्यूशन भी चाहे हम बात करें, या इन टर्म्स ऑफ हम बात करते हैं कि कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं, तो कहा जाता है कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है। पहला, अब देखो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास डेटा है, उसको याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस, इंडिया वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्पाइसेस का, पल्सेस का, मिल्क का, टी का, कैश्यू एंड जूट का, एंड द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, राइस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, शुगर केन, कॉटन एंड ऑयल सीड्स, ठीक है। फर्दर, इंडिया इज सेकेंड इन ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो एंड बनाना, ठीक है। थर्ड इन फिश प्रोडक्शन, फोर्थ इन एग एंड फिफ्थ इन पोल्ट्री प्रोडक्शन। ड्यूरिंग 2018 टू 19 क्रॉप ईयर,
food grain production is estimated at record of 284.95 million tons. तो ये आपको देख के समझ में आता होगा कि इंडिया में एग्रीकल्चर नॉट ओनली इन इंडिया, अगर मैं इंडिया के रिस्पेक्टिव बाहर के कंट्रीज की भी बात करता हूँ, अपने ग्लोबल ट्रेड को लेकर के भी बात करता हूँ, तो इंडिया ग्लोबल ट्रेड में भी एग्रीकल्चर के मामले में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय लाइव स्टॉक पॉपुलेशन? कैटल, बफेलोज, पिग, ये जितने भी हम एनिमल्स को पालते हैं, ठीक है, जितने भी एनिमल्स को पालते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग समथिंग, तो इसको पूरे को क्या कहा जाता है? इस पूरे को लाइव स्टॉक फार्मिंग कहा जाता है. ठीक है, तो क्या है, इंडिया इज द लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 535.78 मिलियन, विच ट्रांसलेट्स टू अराउंड 31% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन. ठीक है, कितना वर्कफोर्स काम कर रहा है, तो यू कैन सी 43.21% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स इज वर्किंग अंडर एग्रीकल्चर सेक्टर. एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट 16.5% टू जीडीपी. अगर 1920 के स्टैट्स के अकॉर्डिंग बात करूं, तो एग्रीकल्चर कितना कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना आता है सेक्टर से, 16.5%. ठीक है, ग्लोबल एग्रीकल्चर आउटपुट की बात करूं, तो पूरे ग्लोबल एग्रीकल्चर आउटपुट में हमारा आउटपुट कितने नंबर पे है, 7.39% पे. ऑल्सो इंडिया इज द टॉप 10th एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड. मतलब इंडिया हमेशा टॉप 10 में रहता है. ठीक है, 6 में कई चीज़ों के मामले में फर्स्ट में आते हैं, कई चीज़ों में हम सेकेंड में भी आते हैं. तो ओवरऑल देखें तो इंडिया का जो ग्लोबल आउटपुट का रैंक है वो 10th है. ये फैक्ट सुनने के बाद डेफिनेटली आपको ऐसा लग रहा होगा कि एग्रीकल्चर बहुत अच्छा एक सेक्टर है, लेकिन क्योंकि इतने ज़्यादा आउटस्टैंडिंग रैंकिंग्स हैं. ठीक है, लेकिन ऐसा कि हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो भले ही ये फैक्ट आपको बहुत एस्टॉनिशिंग फैक्ट्स लगेंगे, बट बिसाइड्स दैट एग्रीकल्चर आज भी मैं बात करूँ तो जो फार्मर्स हैं वो आज भी अपने ग्लूमी डेज से बाहर नहीं आए हैं. आज भी उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो बहुत अपलिफ्ट नहीं हुआ है. वो घंटों, हम लोग तो फिर भी 8 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे की मेहनत करते हैं, कभी एयर कंडीशन में, इन सब में हम मेहनत करते हैं. वो बिल्कुल गर्मी चाहे बिल्कुल ठंड चाहे बरसात, जैसा भी सीज़न हो, वो अपना मैक्सिमम मेहनत पे कहाँ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, लैंड के ऊपर. उसके बाद भी उसमें कुछ सर्टेनिटी नहीं होती. आप ऐसा जानते हैं कि एग्रीकल्चर में कोई सर्टेनिटी नहीं है. आज मैं बीज बो रहा हूँ तो उसके बाद ज़रूरी तो नहीं है कि वो फसल बहुत अच्छी आएगी, और मैं बेचने जाऊँगा तो मुझे क्या पता कि मुझे कितने मिलेंगे. और अगर मैं असम की बात करता हूँ, असम में जो जितने बड़े बड़े टी के यार्ड्स हैं वहाँ पे आज भी फार्मर्स को जो उनकी इनकम मिलती है 3500-4000 के बीच में इनकम मिलती है, जबकि टी के मामले में इंडिया वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे आता है. प्रीमियम टीज इंडिया से एक्सपोर्ट की जाती है, पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सपोर्ट की जाती है, और जो टी के होलसेलर्स हैं वो इतने अमीर हैं, बट फिर भी फार्मर इतना गरीब क्यों है. तो फार्मर का स्टेटस आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि इंडिया के अंदर फार्मर का स्टेटस कैसा है. तो उसी स्टेटस को इन सब फैक्ट के बाद भी उनका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है. ठीक है, खाने को नहीं होता फार्मर्स के पास, अपने घर उनके पास धमके नहीं होते. तो ताकि लोग अपना थोड़ा सा इंटरेस्ट अब एग्रीकल्चर की तरफ भी शिफ्ट करें. ठीक है, आफ्टर ऑल आपकी पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 50% तो वहीं से आ रहा है, और रूरल पॉपुलेशन तो मोर देन 80% रूरल पॉपुलेशन तो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है. तो इसलिए जो ये 5 tranches अडॉप्ट किए गए इकोनॉमिक पैकेज के, उनमें जो 3rd tranche है वो सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में फोकस करेगा. ठीक है, इसमें सारी पॉलिसीज उससे रिलेटेड है जिससे कि एग्रीकल्चर स्टेटस को और फार्मर के स्टेटस को अपलिफ्ट किया जा सके, ताकि लोग अपना इंटरेस्ट भी एग्रीकल्चर में दिखाएं. वरना ये सारे फैक्ट जो आज हैं हो सकता है आने वाले 5-10 साल में ना बचे, क्योंकि लोग अब एग्रीकल्चर करना ही नहीं चाहते. क्यों? क्योंकि जो भी ये डिस्पोंडेंस है, जो भी ये इतने खराब उनके इकोनॉमिक स्टेटस है उसकी वजह से, तो गवर्नमेंट ने उसको प्रिवेंट करने के लिए लोगों के जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं, लाइक जो लोग फ्रिक्शनल मूवमेंट करते हैं कि एग्रीकल्चर छोड़ के दूसरे सेक्टर्स में जाना, उसको रोकने के लिए काफ़ी पॉलिसी अडॉप्ट की गई है. बाकी एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, जो आज की पॉलिसीज हमको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहले में गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चरल पॉलिसीज के बारे में बात की है, जिसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा फार्मर्स को, क्योंकि देखो आपको पता है फील्ड्स में वो
क्रॉप तो ग्रो कर लेते हैं, लेकिन उनको स्टोरेज करना, उनको मार्केट तक पहुंचाना, उनको बेच पाना, उनको डीलर से बनवाना, होलसेलर के पास पहुंचना, मंडी तक पहुंचना, एक अच्छा प्राइस मिलना, ये सब चीज़ें नहीं हो पाती। तो पहले में सिर्फ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को एक्सप्लेन किया निर्मला सीतारमन ने कि सिर्फ किस तरीके से इनको चेंज किया जाएगा। उसके बाद दूसरे पार्ट में, दूसरा जो उसका पार्ट है, उसमें डिस्कस किया गया है क्या क्या रिफॉर्म्स, मतलब क्या क्या स्टेप्स और इनिशिएट किए गए हैं, क्या क्या अमेंडमेंट्स की गई हैं ताकि फार्मर के लिए एग्रीकल्चर अब एक प्रॉफिटेबल वेंचर प्रूफ हो सके। सो लेट्स हैव अ लुक। हाँ जी, जैसा मैंने आपसे कहा कि पॉलिसीज जो है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेशन और दूसरा रिफॉर्म्स। तो पहले हम पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सबसे पहला, गवर्नमेंट ने 1,00,000 करोड़ का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज अनाउंस किया है फॉर फार्म गेट्स। ठीक है, फार्म गेट्स का मतलब क्या होता है, वही जो मैंने अभी आपसे कहा, आपने प्रोडक्शन तो कर ली, लेकिन प्रोडक्शन के बाद इसको फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचने में बहुत सारी स्टेजेस से गुजरना होता है। स्टोरेज हो गया, वेयर हाउसिंग का जो काम किया जाता है, उसके बाद पैकेजिंग का काम हो गया, ग्रेडिंग का काम हो गया, ब्रांडिंग का काम हो गया। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सबसे पहला जो अपना इंटरेस्ट दिखाया वो वहीं पे दिखाया, क्योंकि लाखों टन में हर साल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बर्बाद हो जाते हैं। रीजन क्योंकि उनकी स्टोरेज फैसिलिटी नहीं। मतलब आप ये सोचो, एक तरफ हमारी कंट्री में लोग आज भी भूख से मर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे हर साल लाखों टन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बर्बाद हो रहे हैं। तो कितनी आयरनी वाली बात है ये। सो जस्ट टू रिमूव दैट हिंड्रेंस, गवर्नमेंट ने कोल्ड स्टोरेज को इम्प्रूव करने की बात करी। गवर्नमेंट ने ये कहा कि 1,00,000 करोड़ का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर गेट पे पैसा खर्च किया जाएगा। इसका मेन कंसर्न क्या होगा, जिसका मेन कंसर्न होगा कि जो फार्मर ने वीट को या किसी भी क्रॉप को ग्रो कर लिया, उनको स्टोरेज से लेकर के फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचने का जितना भी स्टेजेस होती है, उन सबको इम्प्रूव किया जाएगा ताकि फसलों का नुकसान ना हो, मिनिमम से मिनिमम नुकसान हो, और उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट अवेल कर पाए जितने भी फार्मर्स हैं। ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट ने कहा है ₹10,000 करोड़ स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस। अभी माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस क्या है, माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस की अगर मैं बात करता हूँ, वर्ल्ड के अंदर इंडिया फूड प्रोसेसिंग के मामले में ऑलमोस्ट 70% का अपने पास कैपेबिलिटी रखता है। तो जो फूड माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस हैं, छोटे मोटे एंटरप्राइजेस होते हैं जो कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्रॉप्स होते हैं उनको ग्रो करते हैं। तो गवर्नमेंट ने इस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए क्या कहा है, गवर्नमेंट ने क्लस्टर सिस्टम को अडॉप्ट किया। क्लस्टर आप समझते हैं, क्लस्टर मीन्स छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं। गवर्नमेंट ने कहा है कि अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट फार्मर्स को मोटिवेट करेगी, उनको इम्प्रूव करेगी, उनके प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करेगी कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी वर्ल्ड को, भाई हमने कहा था ना वोकल फॉर लोकल विद ग्लोबल आउटरीच, तो उनको कैसे होगा, आज उनके प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट पे नहीं जा पाते, वो ग्रो करते बट नहीं जा पाते। रीज़न क्या है, वो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, राइट? क्योंकि अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में जाना है तो वो स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। वो स्टैंडर्डाइजेशन कब होगी, जब टेक्निक होगी। वो टेक्निक कब होगी, जब उतना पैसा होगा। ठीक है, और पैसा नहीं होगा तो ये सब चीज़ें वहीं पर लोकल तक रह जाएंगी। इसलिए गवर्नमेंट ने ₹10,000 करोड़ की स्कीम को लॉन्च किया है, जिसमें गवर्नमेंट क्लस्टर बेस्ड अप्रोच को लेगी। अब क्लस्टर कैसे काम करेगा, वो जो स्टेट, जो भी स्टेट है जिसपे, जिस स्टेट के अंदर एक पर्टिकुलर क्रॉप को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनिस्ट माना जाता है, न्यूट्रिशन वाला माना जाता है, इन सारी चीज़ों को उसमें देखा जाएगा। जैसे बिहार में मखाना एक डिश है, एक मतलब आप कह सकते हो स्नैक्स के तौर पे खाया जाता है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट उसकी प्रोडक्शन के ऊपर वहाँ के फार्मर्स को सपोर्ट करेगी। यूपी से सबसे ज़्यादा मैंगो है, तो मैंगो को वहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर बैम्बू शूट्स होते हैं जो कि बहुत न्यूट्रिशनिस्ट माने जाते हैं। तो मतलब आप समझो, जो जिस स्टेट में स्पेशलाइज्ड है, मतलब जो स्टेट जिस क्रॉप में स्पेशलाइज्ड है, गवर्नमेंट ने कहा है आपको उसी पर्टिकुलर को अपना क्लस्टर लेके चलना है। ठीक है, जैसे कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, वहाँ पे सैफ्रन हो गया, तो उसी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट उनको बहुत ज़्यादा इंसेंटिवाइज करेगी, टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेशन दिया जाएगा, जिससे कि जो इनके फूड हैं वो किसको टारगेट कर सके, वो मीट कर सके FSSAI,
आपको पता होगा दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, जैसे हमारा होता है ना कि हम बात करते हैं बोर्ड की तो हॉलमार्क की बात करते हैं, है ना, तो इसी तरीके से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर में हम एगमार्क की बात करते हैं, तो फूड इंडस्ट्री के लिए हम बात करते हैं FSSAI की ऑथेंटिकेशन की, लाइसेंसिंग की, ठीक है, तो इसके लेवल पे इसके बेंचमार्क को मीट करने के लिए इनको सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है, तो ये है। और जो कि गवर्नमेंट ने कहा है जिससे कि कितने लोगों को बेनिफिट मिलेगा, एटलीस्ट 2 लाख माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस को इससे बेनिफिट मिल सकता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने फिशरमैन, मैंने प्रीवियस वाले ट्रांच के अंदर समझाया था आपको, प्रीवियस ट्रांच में के जो हमारा कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर मतलब लैंड एग्रीकल्चर वहाँ पे नहीं हो सकता, तो वहाँ पे लोग क्या करेंगे, वहाँ पे लोग एक्वा कल्चर करेंगे, फिशिंग के अंदर ज़्यादा जाएंगे, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए भी कितने रुपये का प्रोविजन निकाला है, 20,000 करोड़ का प्रोविजन उनके लिए निकाला गया है। अब क्यों, देखो ऐसा होता है कि फिशिंग भी पूरे थ्रू आउट द ईयर तो चलता नहीं है, 2-3-4 महीने का सीजन होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है तो मना कर दिया जाता है समुद्र में जाने को, मछलियाँ पकड़ने को, लेकिन उनके ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है, उनका जो लोन है, उनका जो खाना है, वो सब तो चल ही रहा है ना, तो उस टाइम के लिए प्रोविजन निकाला गया है, तो उनको प्रमोट भी किया जाएगा प्लस ऐसे डेज में उनको बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 100% वैक्सीनेशन टू कैटल, बफेलो, शीप, गोट एंड पिग, टोटल 53 करोड़ एनिमल्स फॉर फूड एंड माउथ डिजीजेस विद एन आउटले ऑफ 13343 करोड़। क्या मतलब है इसका, देखो आपको पता है कि अगर मैं बात करूँ जो लोग जुड़े हुए हैं एनिमल हस्बेंड्री से, तो एनिमल्स का कहीं पे भी घूमना, कहीं पे भी खा लेना, कुछ भी खा लेना, इससे फूड और माउथ डिजीजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ना केवल जानवरों में जबकि जो इनके मालिक होते हैं उनमें भी, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियाँ उस फूड के थ्रू या उनके थ्रू प्रोसेस्ड किसी भी मटीरियल से, किसी भी जो हम ऑब्टेन करते हैं आइटम, उससे हम तक भी पहुँच जाता है, तो गवर्नमेंट ने कहा है, और उनकी फिर प्री मेच्योर डेथ भी होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो इन्हीं चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा है, गवर्नमेंट ने कहा है कि गवर्नमेंट विल स्पेंड 13,343 करोड़ ताकि 100% वैक्सीनेशन दी जा सके इन एनिमल्स को, सो दैट इनसे मिलने वाला प्रोडक्ट जो है हमें वो भी हार्मफुल ना हो, प्लस जितने भी इसको इस पर्टिकुलर बिजनेस में एंगेज हैं फार्मर्स, उनको भी किसी तरह की हेल्थ इश्यूज ना हो। तो ये 4 पॉलिसीज हैं जो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में मिली हुई हैं, बाकी मैंने आपको बताया था इंफ्रास्ट्रक्चर में 8 पॉलिसीज हैं, बाकी की बात करते हैं। 6, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड विल गेट 4,000 करोड़ प्रमोशन ऑफ हर्बल कल्टिवेशन बाई इंक्लूडिंग 1 लाख हेक्टेयर लैंड, राइट। अब ये क्या है, देखो एक हमारा बोर्ड है नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, ये बोर्ड का काम क्या है, इस बोर्ड का मेजर काम है हर्ब्स को ग्रो करना, ठीक है, जिनसे कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मेडिसिन बनाई जा सके। आपको पता होगा अगर मैं इंडियन सिस्टम्स की बात करता हूँ और इंडिया के ट्रेडिशनल की बात करता हूँ, इंडिया के ट्रेडिशंस की बात करता हूँ, तो आपको पता है कि हमारे में आयुर्वेदा को पहले से ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली हुई है, ठीक है, वो तो अब आजकल हम लोग एलोपैथिक मेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं, बट अगर हम आज भी गांव वगैरह में जाते हैं तो वो आज भी बहुत ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हैं और वो कि बहुत इफेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो जो ये बोर्ड है इसका काम ही है ऐसे हर्ब्स को ग्रो करना जिससे कि हर्बल मेडिसिन वगैरह बनाई जा सके, तो इनको हर्बल मेडिसिन बनाने के लिए और पैसा दिया जाएगा और मनी ग्रांट की जाएगी, ताकि आयुर्वेदा जो कि आयुष आपको पता होगा इंडिया ने अपना एक 6 सिस्टम ऑफ मेडिसिन ग्रो कर रखा है, आयुष, दैट इज ए आपका आयुर्वेदिक, वाई आपका योगा, यू आपका यूनानी, एस आपका सिद्धा और एच आपका होम्योपैथी, इसमें एक और इंक्लूडेड है एन, राइट, दैट इज नेचुरोपैथी। तो ये 6 सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिसके बेसिस पे इंडिया पूरे वर्ल्ड में इसके बेसिस पे ट्रीटमेंट करता है, तो इसके लिए हर्ब्स की जरूरत होती है, तो उन्हीं हर्ब्स को प्रमोट करने के लिए क्या किया जाएगा, 4,000 करोड़ रुपये का खर्चा किया जाएगा, साथ ही साथ में जो भी आपको पता है कि जो मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि ये लोग वैली के तौर पे प्लांटिंग करना शुरू करेंगे, जैसे कि एक
बैंक पे, गंगा के और दूसरे गंगा के बैंक पे कुछ एरिया अलॉट किया जाएगा, और क्या किया जाएगा वहां पे, बिल्कुल वैली के फॉर्म में, मतलब कॉलोनी के फॉर्म में क्या की जाएगी, हर्बल मेडिसिन की, हर्बल प्लांट्स को ग्रो किया जाएगा, ठीक है। जिससे कि ये कहा गया कि ये अप्रोक्सीमेटली 5,000 करोड़ रुपए तक की इनकम जो है फार्मर्स को जनरेट करके देगा, वो फार्मर्स जो हर्बल मेडिसिन या हर्बल प्लांट्स केस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। स्कीम्स फॉर इनिशिएटेड फॉर बी कीपिंग एक्टिविटीज, हालांकि ये अमाउंट हमारी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत अगर हम लैक्स ऑफ करोड्स की बात कर रहे हैं तो उसके ये अमाउंट बहुत कम है, बट स्टिल इट इज सो सिग्निफिकेंट, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर इस टाइप पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो चुका है, मतलब आप कह सकते हो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा एक इशू बन चुका है कि बी कीपिंग को कैसे और प्रमोट किया जाए, क्योंकि कोई भी ऑब्वियसली बात है इन सब फील्ड्स में आज के डेट में कोई भी नहीं जाना चाहता। तो गवर्नमेंट ने कहा है बी कीपर्स को कि भाई 500 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा ताकि बी कीपिंग की एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जा सके। ऑल्सो जो वैक्स हम इम्पोर्ट करते थे आज तक, इंडिया जो भी वैक्स इम्पोर्ट करता था फॉरेन के देशों से, चाहे वो एडिबल था चाहे वो किसी भी फॉर्म में था, उसको स्टॉप किया जाएगा और इंडिया अपने कंट्री में ही जो वैक्स है वो इन्हीं बी के जो हनी कॉम्स है उनमें से कलेक्ट करेगा, क्योंकि अपने आप में एक और फिर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी करेगा। थर्ड इज टॉप टू टोटल, दैट इज फॉर ₹50 करोड़, ओके। नाउ व्हाट इज, सॉरी इज फॉर 500 करोड़ एज वेल। तो टॉप टू टोटल, नाउ व्हाट इज टॉप टू टोटल, आपको भी पता चल जाएगा इस पॉइंट से। गवर्नमेंट एक ऑपरेशन ग्रीन स्कीम चला रही थी जिसमें गवर्नमेंट ये कहती थी कि हम आपको MSP देंगे, मतलब कि अगर आप टॉप मीन्स टमाटोज, अनियन एंड पटैटोज का जो भी ग्रो करते थे वो नहीं बिकता था तो गवर्नमेंट उनसे खरीद लेती थी। इसको एक्सटेंड करके अब सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे कर दिया जाएगा, ठीक है, जिससे कि फार्मर को अपने नुकसान के बारे में बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो प्रोडक्शन करते हैं तो गवर्नमेंट उनसे हर तरीके की जो फसल होगी खरीदेगी। पहले ये कन्फाइंड था सिर्फ टॉप तक, टॉप मीन्स टमाटोज, अनियन एंड पटैटोज, ठीक है। साथ में ये भी कहा है कि जो फार्मर्स को प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम किस चीज़ की, आपको पता है कि जो ये सिनेरियो हुआ इसके वजह से सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस फार्मर हुआ, सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस उनके बीच में हुआ, माइग्रेंट वर्कर्स के बीच में हुआ। क्या होता है, प्रॉब्लम आ गई डिस्ट्रेस सेल की। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रेस सेल, अब फार्मर को बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन को रोक दिया गया, ना वो अपने गांव से शहरों तक पहुंच पाए, ना वो अपनी फसलों को बेच पाए, ना वो मंडी तक पहुंच पाए, तो सस्ते से सस्ते रेट पे उनको जो भी अवेलेबिलिटी मिली, जो भी रिसोर्सेज मिले, जहां से पैसा आया उन्होंने उन्हीं को बेच दिया। तो इस तरह की चीज़ दोबारा ना हो, डिस्ट्रेस सेल दोबारा ना हो, उसी के लिए गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया और साथ में ट्रांसपोर्टेशन के लिए 50% की सब्सिडी दी है और साथ में दी है स्टोरेज की भी, कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पे आप मार्केट एक्सेस नहीं कर पाते, कुछ टाइम के लिए आपको अपनी फसल को स्टोर करना है ताकि एक अच्छा प्राइस आने तक का वेट कर सको, गवर्नमेंट ने उसमें स्टोरेज फैसिलिटीज में भी 50% का सब्सिडी प्रोवाइड किया है, ठीक है, ताकि कंट्री में डिस्ट्रेस सेल रुक सके। रिपीट करो, डिस्ट्रेस सेल क्या होता है, डिस्ट्रेस सेल का मतलब होता है जब आप किसी भी प्रेशर में कि आपका सामान खराब हो जाएगा या कुछ हो जाएगा उसके चक्कर में आप बेच देते हो सामान को। अब जो रिफॉर्म्स मैंने आपसे कहा था 8 थे, इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स या फिर आप कह सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेशन, बाकी एक गवर्नमेंट के और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या थे, ये गेम चेंजर हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है देखो, सबसे पहला एसेंशियल कमोडिटी है, ये क्या है, 1955 में स्कैर्सिटी ना होने की वजह से, स्कैर्सिटी के डर की वजह से एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को पास किया गया था। इसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि कुछ जो भी मान लो क्रॉप्स हैं उनको एसेंशियल कमोडिटीज में रखा जाएगा, उनकी होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग जैसी चीज़ें नहीं होंगी, उनको सिर्फ इतनी ही क्वान्टिटी में बनाया जाएगा। अब इसको हटा दिया गया है, मतलब ऑयल सीड्स, पल्सेस, अनियन, टमाटोज, पोटैटोज, इसको किससे हटा दिया गया है, इसको असेंशियल कमोडिटी एक्ट से हटा दिया गया है, जिससे कि फार्मर जितनी मर्जी चाहे क्वांटिटी में इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं और बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करके पैसा भी अर्न कर सकते हैं। तो अभी तक फार्मर्स नहीं कर पाते थे क्योंकि इन पे ईसी एक्ट लगा हुआ था, जिसकी वजह से एक लिमिट थी कि आप मैक्सिमम इतना प्रोड्यूस कर सकते हो ताकि होर्डिंग ना हो जाए, तो उसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए इस एक्ट को अमेंड किया जाएगा।
ताकि फार्मर जितना मन चाहे प्रोड्यूस करके पैसा कमा सके डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट्स के अंदर। ठीक है, इसके बाद एपीएमसी दैट इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज, ये कमेटीज थी। अभी तक देखो आपने कभी नहीं सुना होगा कि मैं अगर एक ट्यूशन टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं इसी को पढ़ाऊंगा, इसको नहीं पढ़ाऊंगा, उसको नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं होता। सिमिलरली आप एक सेलर हो जो कि से मान लो ये वॉचेस बेच रहा है, तो आपको भी कोई लिमिट नहीं थी कि तुम इसको बेचोगे, उसको नहीं बेचोगे, इसको नहीं बेचोगे, कोई ऐसा नहीं था। बट एग्रीकल्चर के केस में ऐसा है, ऐसा था आप कह सकते हो, क्योंकि एग्रीकल्चर के केस में ये था कि भाई एपीएमसी कमेटी है जो हर स्टेट की कमेटी थी। ठीक है, इस कमेटी के अंदर कुछ लाइसेंस एजेंट होते थे मंडीज के अंदर। ठीक है, तो फार्मर्स वर कंपेल्ड टू सेल देयर आउटपुट टू दोज एजेंट्स ओनली, कि तुम सिर्फ इन्हीं एजेंट्स को अपना आउटपुट बेचोगे। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम उनको कन्फाइंड कर दोगे कि तुम सिर्फ इन्हीं लोगों को अपना आउटपुट बेचोगे, तो वो तो एक्सप्लॉइट ही करेगा, क्योंकि उसको पता है किसी और को बेच सकता नहीं। तो फार्मर को एक अच्छा प्राइस अपनी फसल के लिए नहीं मिल पाता था। तो गवर्नमेंट ने एपीएमसी के अंदर चेंजेस आए हैं और फार्मर से ये कहा है कि वो एक सेंट्रल लॉ को पास करने वाले हैं जिससे कि आप अपने सामान को, जो आपका प्रोडक्ट जो भी आपने प्रोड्यूस किया है, उसको कहीं भी ले जाके बेच सकते हो, इंडिया के किसी कोने में ले जा करके बेच सकते हो, किसी तरह का कोई बैरियर नहीं है। जहां आपको एक अच्छा प्राइस मिलेगा आप बेच सकते हो। इससे फार्मर को बहुत बेनिफिट है क्योंकि उसके पास अब एक जो इतनी सी मार्केट थी, इतनी सी वो इतनी वास्ट हो गई, राइट। पहले उसको एक्सप्लॉयटेशन हुआ था क्योंकि ये बंदा को पता था कि भाई ये तो स्कीम बेचेगा, इतने में ही ले लूँगा मैं, तो इतना इसको प्रेशर कर दूंगा, तो डिस्ट्रेस सेल हो जाती थी। अब फार्मर के लिए विजन को बिल्कुल बढ़ा दिया गया है, वो कहीं भी ले जाके अपने आउटपुट को बेच सकता है और एक अच्छा प्राइस जिसका वो वेट कर रखा है करता है वो ले सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है अगर ये बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई भी हो जाता है। नेक्स्ट गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने एक फ्रेमवर्क सेट किया। फ्रेमवर्क क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो हमने कहा, पहले ही हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन कर लिया कि एग्रीकल्चर वैसे ही बहुत बड़ा रिस्की वेंचर है क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि क्या होने वाला है, पता नहीं मानसून कैसा होगा, डाउनपोर कैसा होगा, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो दिक्कत, बहुत कम बारिश हो जाए तो दिक्कत, ठीक है, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स नहीं मिले तो दिक्कत, तो बहुत सारी दिक्कतें जो फार्मर्स को झेलनी पड़ती है, जिनकी वजह से उनका इकोनॉमिक स्टेटस आपको और मुझे दोनों को बहुत अच्छे से दिया है। तो गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा स्टेप लिया, ये तीन रिफॉर्म्स को एक्चुअली एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर जितने अच्छी तरीके से बताए गए हैं उसी तरीके से अडॉप्ट किए गए तो एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने रिस्क को एलिमिनेट कर दिया एग्रीकल्चर से। अब ऐसा कैसे किया, एट द टाइम ऑफ सोइंग ऑफ सीड्स फार्मर विल गेट द आइडिया दैट व्हाट द प्राइस विल ही गेट आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप, मतलब बीज को बोते समय ही गवर्नमेंट फार्मर की डील बड़े बड़े एजेंट से, कॉन्ट्रैक्टर से, जो भी उसके एग्रीगेटर्स हैं उनसे करवा देगी, जिससे कि फार्मर को पहले ही पता चल जाएगा कि मेरे को ये प्रोडक्शन डबने के बाद इतना पैसा मिलने वाला है, तो उसको एक इनकम की सर्टेनिटी हो जाएगी। ऐसा ही होता है ना फ्रेंड्स, क्या होता है, लाइक आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, आपको कहीं से ऑर्डर आता है कि मुझे इतने यूनिट्स चाहिए, आप पहले ही कोट कर देते हो ना कि भाई इतने यूनिट्स हैं, एक यूनिट का इतना लूंगा, तो भाई 100,000 यूनिट का मैं इतना लूंगा, 50% तो मुझे एडवांस दे दो, है ना। तो आपका रिस्क वैसे ही 50% तो कम हो गया, अगर उसने नहीं भी लिया तो 50% ही तो आया ना, लेकिन फार्मिंग में ऐसा कुछ नहीं था। तो इसी तरह की सर्टेनिटी को लाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट कह रही है कि एक फ्रेमवर्क सेट किया जाएगा जिसमें फार्मर को उसके प्रोडक्ट का प्राइस जब वो प्रोडक्ट मतलब बीज बो रहा होगा तभी पता चल जाएगा। गवर्नमेंट बिग ट्रेडर के साथ, प्रोसेसर्स के साथ, एग्रीगेटर्स के साथ उनकी मीटिंग्स कराएगी, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स कराएगी, जिससे कि रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके, रिटर्न्स एश्योर किए जा सके और स्टैंडर्डाइजेशन कराई जा सके प्रोडक्ट्स के बारे में, ताकि फार्मर को एक प्री डिटरमिंड इनकम मिल सके कि हाँ इस फसल को ग्रो करने के बाद इतनी इनकम मुझे दिख रही है। सो फ्रेंड, इस तरीके से गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया है, राइट। नेक्स्ट ट्रांच में हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या मतलब न्यू हॉराइजन्स टू ग्रोथ, वो नेक्स्ट ट्रांच है हमारा जिसमें हम ये समझने वाले हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से इंडिया को मेक इन इंडिया, जो हमने पढ़ा था मेक इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए और इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए क्या क्या चेंजेस लेके आने वाली है। आई होप
यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। लेकिन उससे पहले एक डेटा है पार्ट थ्री का, आप जरा इसे जरूर चेक कर लें। फर्स्ट, फूड एंटरप्राइज से कितना खर्चा किया गया है? 10,000 करोड़ का। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पे कितना खर्चा गया है? 20,000 करोड़ का। टॉप टू टोटल पे खर्चा कितना है? 500 करोड़ का। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पे कितना खर्चा है? 1,00,000 करोड़ का। एनिमल हस्बेंड्री पे खर्चा कितना किया गया है? 15,000 करोड़ का। हर्बल कल्टिवेशन के लिए कितना दिया गया था? 4,000 करोड़। बी कीपिंग 500 करोड़। तो ये खर्चे हमने अभी डिस्कशन किए थे, यही खर्चे हैं आपके सामने। तो टोटल कितना आता है? 1,50,000। तो अगर जो ट्रांच तीन अभी तक हमने पढ़े उन ट्रांच की बात करें तो पहले ट्रांच का टोटल कितना था? 5,94,550। ट्रांच टू का टोटल कितना था? 3,10,000। बात करता हूँ थर्ड ट्रांच, अभी हमने पढ़ा कितना है? 1,50,000। बाय एडिंग ऑल दीज व्हाट वी विल गेट, दैट इज 10,54,550 करोड़। तो सो फार तीन ट्रांच में गवर्नमेंट ऑलमोस्ट अपना 50% स्टिमुलस पैकेज अनाउंस कर चुकी है। नेक्स्ट टू ट्रांच में हम बात करेंगे रेस्ट जो अमाउंट है। आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने रखी थी और 20 लाख करोड़ का पैकेज देश भर के लिए लाए थे, उसी कड़ी में आज चौथी प्रेस वार्ता में नए क्षेत्र कौन से हमारे विकास के लिए हो सकते हैं, उसको लेकर क्या बदलाव, क्या रिफॉर्म्स लाई जा सकती हैं, उसको लेकर आज हम आप सबके सामने आए हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो 20 लाख का इकोनॉमिक पैकेज आया उसके फोर्थ ट्रांच की बात करने वाले हैं, राइट? वो तो आपको वीडियो क्लिप देख करके पता चल ही गया होगा। लेकिन उस ट्रांच के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ डिटेल्स जो आपको देना चाहूँगा। सो फार आपने जो ट्रांचेस पढ़े उन ट्रांचेस के अकॉर्डिंग में बात करूँ तो फर्स्ट ट्रांच में हमने MSMEs को एक तरह से प्रमोट किया। सेकेंड ट्रांच में हमने पुअर मार्शल माइग्रेंट फार्मर्स जो है इनके बारे में बात करी, ठीक है? इनको कैसे प्रमोट करेंगे गवर्नमेंट, कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाएगी, ठीक है? इसके बाद हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को अपलिफ्टमेंट की बात करी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अपलिफ्टमेंट में क्या क्या चीज़ें की जाएंगी और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, साथ में वो भी ज़्यादा ज़रूरी था मान लें। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं इन तीनों चीज़ों को देखूँ, इन तीनों पर्टिकुलर चांसेस को देखूँ, तो ये कहीं ना कहीं हद तक जो हमारे लोअर क्लास और हम कह सकते हैं कि एक मीडियम क्लास के जो लोग हैं उनसे जुड़े जो बिजनेस है, उनसे जुड़े जो एम्प्लॉयमेंट है, उसके बारे में बात की गई थी। ये हमारी कंट्री का आप कह सकते हो रूट है, राइट? ये हमारे पास था रूट पोर्शन जिनको स्ट्रांगली बिल्डअप करने की कोशिश की गई, क्योंकि वो रूट्स हैं, क्योंकि रूरल एम्प्लॉयमेंट हो गया या फिर जो बिल्कुल मार्जिनल फार्मर्स हो गए या फिर जो बिल्कुल माइग्रेंट्स हो गए, ये बिल्कुल रूट पार्ट है। तो मतलब पहले तीन फ्रांचेस में हमने बात की थी कि आप अपने रूट को कैसे स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, ताकि कभी ऐसा दोबारा कुछ भी हो तो आपकी रूट्स एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में जो सबसे अफेक्टेड है वो आपकी रूट हुई है, तो वो रूट को आपने स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की थी। बट आज जो हमारे पास सेक्शन है, आज जो हमारा ट्रांच है, ये फोकस रूट तो ऑब्वियसली बात है वो करेगा ही करेगा, लेकिन इसका मेजर फोकस इंडिया को एक अलग डायमेंशन देना है ग्रोथ के सेक्टर में, राइट? मींस जो हम अपना ग्रोथ स्ट्रैटेजी है यहाँ पे वो बात करने वाले, मतलब इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज के ऊपर आज बात की जाएंगी। जो इन्वेस्टमेंट्स हम मेक इन इंडिया की हमेशा बात करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंट्रीज से इंडिया में नहीं आ पा रहा है, वो इन्वेस्टमेंट्स क्यों नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए बात की जाएगी। मतलब आज का जो ट्रांच है, इस ट्रांच में मेजरली हम बात करने वाले हैं उन सारे पॉइंट्स की, उन सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट इश्यूज के बारे में या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के हम डिस्कशन करने वाले हैं जो हमारी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को ग्लोबल कॉम्पिटिशन को मीट करने के केपेबल बनाएगी। अगर हम जब भी बात करते हैं सेल्फ रिलायंट बनने की, तो मोदी जी हमेशा एक बात कहते हैं कि देख मोदी जी, क्या अगर आप वैसे भी पढ़े, आपने सुना ही होगा कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक नेशन, इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक नेशन है, और ये डेमोक्रेटिक नेशन अपनी सिक्योरिटी मतलब डिफेंस के लिए किसी और कंट्री पर डिपेंड रहे, ठीक है? दैट रियली डजंट साउंड नाइस। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी कंट्री अपने दम पे खड़ी रहे, क्योंकि इतनी डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसके
जो आपका डिफेंस सेक्टर है या फिर जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस के सेक्टर है उनको लिबरलाइज करना जरूरी है, उनके हाथ में ऑटोनोमी देना जरूरी है, उनकी अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। तो जो प्रेजेंट ट्रांच है वो इन्हीं कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में है, इनके ग्रोथ को आगे कैसे टारगेट किया जाएगा और कैसे इनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को चेंज किया जाएगा। सो लेट्स हैव अ लुक कि कौन कौन से सेक्टर्स को काउंट करने की बात की गई है। जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम इस ट्रांच के अंदर न्यू होराइजंस ऑफ ग्रोथ की बात करेंगे कि मतलब ग्रोथ के नए रास्ते क्या हो सकते हैं, नए डायमेंशन क्या होती हैं, उसके लिए हमारे पास पॉलिसी रिफॉर्म्स लाए गए हैं एट सेक्टर्स के अंदर। ठीक है, कितने सेक्टर्स के अंदर पॉलिसी रिफॉर्म लाए गए हैं? एट सेक्टर्स के अंदर पॉलिसी रिफॉर्म्स आए गए हैं। कौन कौन से सेक्टर है? कोल सेक्टर, राइट, मिनरल सेक्टर, सिविल एविएशन सेक्टर, डिफेंस सेक्टर। सिविल एविएशन के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें, मतलब वैसे तीन अलग अलग हम पढ़ेंगे बट तीनों के तीनों सिविल एविएशन का पार्ट है, दैट इज एयर स्पेस मैनेजमेंट, ओके, मेंटेनेंस एंड रिपेयर, ओवरहॉल्स, ओके, एंड स्पेस सेक्टर। हम इनके बारे में बात करेंगे उसी के अंदर, स्पेस, एयर स्पेस मैनेजमेंट के ऊपर, एयरपोर्ट्स के बारे में और एमआरओस के बारे में, सिविल एविएशन में। डिफेंस सेक्टर, एटॉमिक सेक्टर, एटॉमिक एनर्जी, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, ये हमने बहुत पहले भी बात की थी। डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर कौन से होते हैं? डिस्कॉम, जो मैंने आपको ट्रांच वन में ही समझाया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के काम में लगे हुए हैं, जनरेशन, प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के काम में लगे हुए हैं, उस सेक्टर की बात की जाएगी। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की जाएगी और स्पेस सेक्टर। तो ये आठ सेक्टर हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन आज करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये हमारे ट्रांच फोर का पार्ट वन है। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ पार्ट वन के बारे में बात करेंगे। पार्ट वन में हम चार जो सेक्टर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, पार्ट टू में हम बात करेंगे रेस्ट फोर जो सेक्टर्स हैं उनके बारे में। ठीक है, तो जो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास, दैट इज कोल सेक्टर, ओके। सबसे पहला जो हमारे पास है कोल सेक्टर। कोल आपको बहुत अच्छे से पता है कि बहुत बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मैं 17th सेंचुरी की बात से लेकर आज तक की बात करूं तो आज तक भी किसी भी कंट्री के अंदर जो कोल है उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और इंडिया में तो अभी भी, खासकर क्योंकि अभी तक इंडिया प्रॉपर तरीके से सोलर पैनल्स और सोलर एनर्जी पर इतना ज़्यादा मूव नहीं कर पाया है। ठीक है, तो कोल हमारी कंट्री के अंदर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को आज भी बहुत ऊपर लेवल तक प्रमोट करता है और ज़रूरत को पूरा करता है। लेकिन स्टिल इंडिया, अगर आपको मैं एक स्टैट बताऊँ, एक डेटा बताऊँ, इंडिया के पास वर्ल्ड के फिफ्थ लार्जेस्ट डिपॉजिट्स हैं कोल के, राइट। उसके बाद भी इंडिया को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है? बाहर से रॉ मटेरियल्स मंगवाने पड़ते हैं, मतलब बाहर से कोल मंगाना पड़ता है। मतलब तुम्हारे पास ऐसा हो गया कि आपके पास खाने के लिए 10 रोटी ऑलरेडी है, लेकिन उसके बाद भी आप 3 रोटी मांग के खा रहे हो। क्या मतलब हुआ? 10 रोटी आपके पास है जिसे आप नहीं खा पा रहे किसी भी पॉलिसी या किसी भी वजह से, तो आप बाहर से 3 रोटी मंगा के खा रहे हो। तो सेम इंडिया की कंडीशन कुछ ऐसी ही है कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग फिफ्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, स्टिल इंडिया इज इंपोर्टिंग टू फीड देयर इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो अमेंडमेंट किया गया वो कोल सेक्टर में किया गया, इसको थोड़ा लिबरलाइज करने की कोशिश की गई है और थोड़ा और कॉम्पिटिटिव बनाने की कोशिश की गई है ताकि जो इम्पोर्ट बिल हो सबसे पहले तो इस सेक्टर का वो कम हो सके। तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स इसमें कवर किए गए हैं, क्या क्या पॉलिसीज और क्या क्या अमेंडमेंट्स आई हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट की, अब तक आपने सुना होगा गवर्नमेंट की एक मोनोपोली थी, किसके ऊपर? गवर्नमेंट की एक मोनोपोली थी कोल सेक्टर के ऊपर। इसका मतलब ये है कि कोल सेक्टर जो था अब तक सिर्फ गवर्नमेंट के हाथों में काम करता था, राइट? हाँ जी, गवर्नमेंट सेक्टर के हाथों में काम करता था। बट अगर हम आगे बात करते हैं आपसे, तो अब गवर्नमेंट ने कोल सेक्टर था वो सोल कंट्रोल में था गवर्नमेंट के पास, मतलब जितने भी कोल माइंस थी वो सारी की सारी ऑपरेशन करती थी गवर्नमेंट के अंडर। बट अब गवर्नमेंट ने यह कहा है कि इस सेक्टर को क्या किया जाएगा, इस सेक्टर को कॉर्पोरेटाइज किया जाएगा, जिसका मतलब है इस सेक्टर को प्राइवेट
हैंड्स में लाया जाएगा। ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करने के लिए और प्राइवेट सेक्टर्स के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए अब तक गवर्नमेंट क्या करती थी, अब तक गवर्नमेंट एक टर्न बेसिस पे अमाउंट चार्ज करती थी, बट अब गवर्नमेंट एक रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे काम करेगी। मतलब जो भी टोटल आप आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे उसका एक रेवेन्यू शेयरिंग परसेंटेज होगा, इट इज समवेयर अराउंड 0.25% जो कि 10% तक के रेट पर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज यही किया गया है। देखो किसी भी चीज को प्राइवेटाइज या प्राइवेट हैंड्स पे देने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप समझो, जब चीजें गवर्नमेंट मोनोपोली में होती हैं तो ऑफकोर्स ये बात है उसका जो यूटिलाइजेशन है वो उस लेवल पे नहीं हो पाता, रेड टैपिज्म की वजह से, ब्यूरोक्रेसी की वजह से, आप सब जानते हैं इस बात को। लेकिन जब वो चीज़ प्राइवेट के पास जाती है तो प्राइवेट क्योंकि उनकी तो एक लार्ज इन्वेस्टमेंट है, वो प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। सो इसलिए गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को प्राइवेट हैंड्स पे देने का फैसला लिया है। इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि चाहे जितने भी गवर्नमेंट के पास रिजर्व्स हैं उनको ओपन किया जाएगा, किसके लिए, प्राइवेट सेक्टर्स के लिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, गवर्नमेंट का 50 न्यू कोल ब्लॉक्स फॉर कमर्शियल माइनिंग विल बी ऑफर्ड इमीडिएटली। जो 50 नए कोल ब्लॉक्स हैं वो ऑफर किए जाएंगे, इमीडिएटली ऑफर किए जाएंगे प्राइवेट सेक्टर्स को, राइट। देन द अनटैप्ड कोल बेल्ट मीथेन। नाउ व्हाट इज कोल बेल्ट मीथेन? देखो जहाँ पे कोल रिजर्व्स होते हैं और आपको पता है कि प्लांट्स हो गया या फॉसिल्स हो गए, उनकी बहुत सालों की फ्रेगमेंटेशन के बाद जाके कहीं से कोल बनता है, तो जहाँ पे ये रिजर्व होते हैं वहाँ पे ये रिजर्व ऑटोमेटिकली एक गैस प्रोड्यूस करते हैं, कोल बेड मीथेन गैस। ठीक है, तो ये जो गैस होती है ये एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को काफ़ी हद तक पूरा करती है। तो गवर्नमेंट के पास जो बेड्स हैं जो कि कोल इंडिया लिमिटेड के पास थे अब तक, उनको भी बेचा जाएगा, राइट, उनको भी ऑक्शन में लगाया जाएगा। इसके बाद गवर्नमेंट ने कहा है कि 50,000 करोड़ का खर्चा किया जाएगा इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अब ये क्या होता है, सपोज जब भी माइनिंग बिडिंग में ऑक्शन में आपने एक कोल माइन खरीद लिया, आप वहाँ पे गए, आपने माइनिंग करना शुरू किया और आपने कोल माइन से माइंड कोल निकाल लिया। अब ये माइंड कोल को फर्दर प्रोसेस करना पड़ता है टू मेक इट यूजफुल फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल पर्पस। अब उसके लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर या उसके लिए जितने भी रिक्वायरमेंट्स है इक्विपमेंट्स की, मशीनरी की, वो कहाँ से आएंगी? इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है गवर्नमेंट उस इवैक्यूएशन के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर गवर्नमेंट 50,000 करोड़ का खर्चा करेगी, राइट। इसके बाद आपको पता ही होगा जो कोल है, कोल ऑफ कोर्स एनवायरमेंट फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं होता, वो इको फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कोल से जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ाती जा रही है, और आपको तो पता ही है जिस हिसाब से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि इंडिया का जो इको फ्रेंडली जो टारगेट है उसको किसी भी केस में डिस्कार्ड नहीं किया जाएगा। मतलब जो कंपनीज कोल का गैसिफिकेशन करेंगी, नाउ व्हाट इज गैसिफिकेशन, कोल को डायरेक्ट बर्न नहीं किया जाएगा, राइट। केमिकल प्रोसेस होती है गैसिफिकेशन की, जिसमें हम करते क्या है, जिसमें हम कोल को गैसीफाई करते हैं, मतलब केमिकल उसको यूज करके उसको गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो इको फ्रेंडली बन सके। तो इससे कि गैस ओरिएंटेड इंडिया का जो प्लान है वो भी पूरा हो पाएगा, प्लस आपके एनवायरनमेंट को भी किसी तरह का नुकसान इससे नहीं होगा, राइट। इसके बाद ये कहा गया है कि जो गवर्नमेंट की चाहे एक्सप्लोर्ड माइंस है, चाहे गवर्नमेंट की जो पार्शियल एक्सप्लोर्ड माइंस है, वो सारी ऑप्शन के लिए दी जाएंगी। ठीक है, एक टाइम लिमिट सेट की जाएगी, अगर उससे पहले आप अपनी प्रोडक्शन अकम्प्लिश करते हैं तो उन प्रोड्यूसर्स को इंसेंटिवाइज भी किया जाएगा। तो यहाँ पे दो इंसेंटिवाइज किए जा रहे हैं, एक तो टाइम से पहले काम पूरा करने पे, और दूसरा जब आप इको फ्रेंडली हो करके अपने काम को करेंगे, मतलब गैसिफिकेशन की प्रोसेस में। उसके बाद क्या है, अब देखो इससे फायदा आप सोचो क्या होने वाला है। पहले सिर्फ गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, अब गवर्नमेंट ने अपने जो कोल के जो भी माइंस हैं उनको प्राइवेट कंपनी के लिए ऑफर कर लिया। पहले ये होता था कि कुछ सेलेक्टेड कंपनीज को ही ऑक्शन में जाने के लिए ऑप्शन था, अब किसी के लिए भी है, मतलब कोई भी जाके कोल माइंस की ऑक्शनिंग में परचेज कर सकता है, प्रोक्यूर कर सकता है और उनको मार्केट में बेच सकता है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा मोर नंबर ऑफ फर्म्स जो है वो इस सेक्टर में एंटर करेंगे।
जब ज्यादा फर्म्स इस सेक्टर में एंटर करेंगी तो इट विल लीड टू इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन की वजह से सप्लाई कंट्री की बढ़ेगी एंड देयर बाय रिड्यूसिंग द मार्केट प्राइस। तो इसकी वजह से मार्केट प्राइस पूल का जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस, जो कि ऑटोमेटिकली कंपनीज के लिए फायदा है, क्योंकि अगर आपकी कॉस्ट कटिंग होती है तो ऑफकोर्स कॉस्ट कटिंग का अपने एक बेनिफिट है ना, क्योंकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के दो तरीके, या तो मैं प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा दूँ जो कि बड़ा पॉसिबल मुश्किल ही हो पाता है, लेकिन एक तरीका क्या है, कॉस्ट को कम करना। तो यहाँ से कहीं ना कहीं कंपनी की कॉस्ट जो है कम जाएगी, प्लस गवर्नमेंट के पार्ट पे भी फायदा है, गवर्नमेंट को एक रेवेन्यू जनरेट होगा और जो अनटैप्ड चीज़ें हैं जो इम्पोर्ट पे अब तक तुम पैसा खर्चते जा रहे थे, क्योंकि इतने बड़े रिजर्व्स के बाद भी इम्पोर्ट पे पैसा खर्चना था क्योंकि वो अनटैप्ड था, तो अब आप उनको टैप कर पाओगे तो उधर से इम्पोर्ट बिल भी कम होगा। तो ये डोमेस्टिकली मतलब इंडिविजुअल के लिए भी बेनिफिट है, इंडस्ट्रीज के लिए भी बेनिफिट है और गवर्नमेंट के लिए भी बेनिफिट है, राइट। तो ये सेक्टर्स थे, ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि कोल सेक्टर में अडॉप्ट किए गए थे। अब हम बात करते हैं माइनिंग सेक्टर के अंदर क्या क्या अमेंडमेंट्स की गई है। तो सबसे फर्स्ट थिंग देखिए, एक्चुअली ऐसा था, आपका क्या होता था कि जब हम बात करते थे माइनिंग की तो एक्सप्लोरेशन कोई और करता था, प्रोडक्शन कोई और करता था, प्रोसेसिंग कोई और कर रहा था। अब जिससे कि हर छोटे छोटे काम कोई और करेगा तो जो अल्टीमेट बेनिफिट है वो भी बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसमें गवर्नमेंट ने कहा एक सीमलेस कंपोजिट स्कीम आएगी, प्रोसेस आएगा, जिसमें एक ही पर्सन या एक ही इंडस्ट्री जो है वो ये सारे काम करेगी। जब एक ही इंडस्ट्री ये सारे काम करेगी तो ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, जिसके लिए 500 माइनिंग ब्लॉक्स वुड बी ऑफर्ड थ्रू एक्शन ऑक्शन बाय अमेंडमेंट्स टू माइंस एंड मिनरल्स एक्ट MMDR, राइट। वो कह रहे हैं कि देखो MMDR एक एक्ट था, ठीक है, इस एक्ट में अमेंडमेंट की जाएगी, ये 1951 में ही अडॉप्ट किया गया था, तो इस 1955 में अडॉप्ट किया गया था, इस एक्ट में अमेंडमेंट की जाएगी और इस एक्ट में अमेंडमेंट करने के बाद जो माइनिंग ब्लॉक्स है वो अवेलेबल करवाए जाएंगे। देखो ऐसा था कि ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हैंड्स में थी और पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज इसके लिए काम करती हैं, तो आप बिना अपने एक्ट जो पास किए उनके अमेंडमेंट्स को, बिना उनको अमेंड किए कोई भी चीज़ इजीली मार्केट में नहीं ला सकते। तो पहले MMDR जो एक्ट है इसको अमेंड किया जाएगा, अमेंड करने के बाद क्या होगा, उसके बाद जो 500 माइनिंग ब्लॉक्स गवर्नमेंट के पास है उनको ऑक्शन के लिए मार्केट में लाया जाएगा। नेक्स्ट, हाँ जी, अब आपसे ये कहा है कि देखो ऐसा होता था कि जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज होती हैं उनके लिए बॉक्साइट जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट, आप कह सकते हो आप उनके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल का काम करता है, ठीक है। प्रोड्यूसर को करना क्या पड़ता था, पहले वो बॉक्साइट लेने जाता था, बॉक्साइट लिया, पहले तो वो सारे जितने भी बॉक्साइट ट्रेडर्स हैं उनसे कॉन्टैक्ट करेगा, तो सबसे कॉन्टैक्ट किया, बॉक्साइट परचेज करके लेके आएगा। अब इन केस उसके पास बॉक्साइट काम में नहीं आया क्योंकि उसे कोल भी चाहिए, ठीक है, फिर वो कोल के लिए ढूंढेगा, तो होता ये था प्रोड्यूसर के साथ उसका लॉस के बॉक्साइट भी आ गया, कई बार ये रॉ मटेरियल सारा रेंज हो गया लेकिन कोई एक चीज़ नहीं मिली, कोल नहीं मिल पाया किसी पर्टिकुलर जगह से, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मटेरियल तो है बट वो प्रोसेस नहीं हो पाया। तो गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को भी दूर किया, गवर्नमेंट ने ये कहा कि अब जो ऑप्शन होगा उसके अंदर बॉक्साइट और कोल का जॉइंट ऑप्शन होगा, मतलब यू विल हैव बॉक्साइट एंड कोल ऑल टुगेदर, ठीक है। सो उसको आप अपने किसी भी पर्पज के लिए कैसे भी यूज कर सकते हो, राइट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, क्योंकि आपके पास कोल है, कोल को क्या कर सकते हो, गैसीफाई कर सकते हो और अपने किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हो। तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे कि जॉइंट ऑप्शन होगा बॉक्साइट का, उन्हें वही बात होगी ना, एक तरीका हो गया कि आपको अपने लिए पूरा एक अटायर चाहिए, आपको अपने लिए अटायर चाहिए, शर्ट चाहिए, पैंट चाहिए, शूज भी चाहिए, वॉच भी चाहिए, परफ्यूम भी चाहिए, ठीक है, हेयर स्प्रे सब कुछ चाहिए। अब एक हो गया कि आप सिर्फ जीन्स वाले के पास जा रहे हो, एक हो गया फिर इधर जा रहे हो, इससे बेटर एक शोरूम में जाओ, सब मिल जाएगा, इट विल डेफिनेटली रिड्यूस योर टाइम, आपका टाइम भी लगेगा और बार बार जो इधर उधर घूमने में एक्सपेंसिस लगते हैं वो भी बचेंगे, तो सर्चिंग कॉस्ट तो ऑब्वियसली बातें कम हो जाएगी, तो यहाँ से भी कॉस्ट कटिंग आई है, ठीक है। इसके बाद क्या कहा है, अमेंडमेंट जरूरी, अगेन अमेंडमेंट 1957 का जो एक्ट था माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, उसमें अमेंडमेंट की जाएगी, किस चीज़ के लिए, कैप्टिव एंड नॉन कैप्टिव माइंस का डिफरेंस अलग कर दिया जाएगा, मतलब अब से कैप्टिव और नॉन कैप्टिव माइंस में कोई डिफरेंस नहीं होगा। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दैट, कैप्टिव माइंस क्या होती है, सपोजिटली मैंने गवर्नमेंट से
फॉर्म वगैरह फिल करके और अपना रिसोर्सेज को यूज करके एक माइंड खरीद लिया, ठीक है। अब वो माइंड मेरे लॉन्गर यूज में नहीं रहा, मतलब मैं उसमें से जितना आउटपुट निकालता हूँ निकाल लिया, ठीक है। और इसमें ये एक्ट क्या कहता था कि जो माइन तुमने खरीदी है उसका मटेरियल, उसका सब कुछ सिर्फ तुम्हारा होगा, तुम उसको बाहर बेच नहीं सकते। ये माइन उनको दी जाती थी जो बड़े बड़े जैसे आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, टाटा वगैरह हो गया, ठीक है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, स्टील इंडस्ट्रीज है, टिस्को हो गया, उन सबको दी जाती थी उनके रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। लेकिन दे वर नॉट अलाउड टू सेल देयर मटीरियल आफ्टर दे यूज, कि भाई तुम्हारे यूज के बाद जो भी रेजिड्यू बच गया, जो भी बचा हुआ है, तुम्हें अलाउड नहीं था उसको बेचना। तो गवर्नमेंट ने इसमें अमेंडमेंट की, क्योंकि उनका तो लॉस है, क्योंकि उन्होंने जितना यूज में था वो ले आए, अब वो क्या करें, जो बचा हुआ जो सरप्लस है उससे बेनिफिट हो सकता था, लेकिन गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं कर रखा था। तो इस एक्ट को अमेंड किया जाएगा, कैप्टिव और नॉन कैप्टिव में मतलब आपको अलाउड था बेचना, कैप्टिव में अलाउड नहीं था। गवर्नमेंट ने कहा है आप माइन खरीदो, माइन खरीदने के बाद जितना भी आपके आउटपुट यूज में आप उसे यूज करो, रेस्ट यू कैन सेल इट टू द मार्केट, आप उसको मार्केट पे बेच सकते हो। अफकोर्स जब आप मार्केट पे बेचोगे तो आपका पर्पस वहां से भी सॉल्व हुआ, कुछ पैसा तो आपको वहां से भी इंडस्ट्रीज फॉर लग जाएगा। तो इसलिए कैप्टिव और नॉन कैप्टिव जो माइंस है उनके डिफरेंस को हटा दिया गया, दोनों सेम चीजें हैं, राइट, ठीक है। प्लस साथ में ये भी था इस एक्ट के अकॉर्डिंग कि अगर मैंने माइन खरीद ली है तो उसको बेचना भी बड़ा मुश्किल था। गवर्नमेंट ने उसके बेचने पे भी जो रिस्ट्रिक्शन थे वो रिमूव कर दिए, अगर आपके यूज में नहीं है तो यू कैन सेल, आप उसको सेल कर सकते हैं, राइट। एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस विल कम अप विद मिनरल्स इंडेक्स फॉर डिफरेंट मिनरल्स। अभी गवर्नमेंट कह रही है अभी कौन से इंडेक्स आएंगे ये तो नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है मिनरल्स को एक तरह से उनकी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए मिनरल्स इंडेक्स निकाले जाएंगे, ठीक है। अभी आए नहीं है, जब आएंगे तब उनकी बात में बात करेंगे, ठीक है। एंड रैशनलाइजेशन स्टैम्प ड्यूटी टेबल एट द टाइम ऑफ अवार्ड ऑफ माइनिंग लीज। जब आपको पता होगा स्टैम्प ड्यूटीज क्या होती है, जब भी कोई प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर करवाते हो, ठीक है, कोई भी डीड फॉर्म करते हो तो स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है ना, तो वो स्टैम्प ड्यूटी जब आपको माइनिंग लीज के लिए दी जा रही होगी तो उस टाइम पे उस स्टैम्प ड्यूटी को रैशनलाइज का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रैशनलाइज का मतलब है उस ड्यूटी को कम किया जाएगा, मतलब कम पैसों में आपकी जो स्टैम्प ड्यूटी है वो आराम से काम करेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट सेक्टर जो हमारा चेंज किया गया वो डिफेंस। एज आई टोल्ड यू कि हम लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक नेशन है तो हम अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी और पे डिपेंड हो जाए, सो दैट इज अब्सर्ड। ये बहुत अजीब सी बात लगती है कि इतना बड़ा देश होने के बाद आप किसी और देश पे डिपेंडेंट हो, ठीक है। और स्टैंडिंग आर्मी इंडिया की आपको पता है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बड़ी है, तो जो नेक्स्ट चेंजेस आए गए हैं वो किसमें लाए गए हैं, इंडिया के डिफेंस सेक्टर के अंदर, ताकि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बना जा सके। सेल्फ रिलायंट का मतलब आप समझते हैं, मेक इन इंडिया को अडॉप्ट किया गया था, मतलब अब सब चीज़ों को इंडिया में बनाओ। आप सेल्फ रिलायंट कब बनेंगे, सेल्फ रिलायंट आप तब बनेंगे जब मैक्सिमम चीज़ें आपकी कंट्री अपने ओन पे प्रोड्यूस करेगी, मतलब लेसर इम्पोर्ट्स के साथ। तो वहाँ से हमने कोल के इम्पोर्ट्स को खत्म कर दिया, क्योंकि जब हम अपने अनटैप्ड माइंस को यूज़ करेंगे तो जो कोल की रिक्वायरमेंट है वो डोमेस्टिकली पूरी हो जाएगी, ठीक है। फिर माइंस को ओपन अप करने से भी फायदा क्या होगा, इंडस्ट्रीज का जो बहुत सारा कॉस्ट लगता था इरिस्पेक्टिव जगहों पे, वो कॉस्ट रिड्यूस होगा। प्लस उनको अथॉरिटी देने से कि वो अपने आउटपुट को बेच सकते हैं, वहां से भी फायदा होगा। अब बात करते हैं डिफेंस के सेक्टर की, कि डिफेंस सेक्टर के अंदर क्या चेंजेस आए गए हैं। अगेन सेल्फ रिलायंट रहा है तो इसमें भी इम्पोर्ट को कम करना पड़ेगा। सबसे कुछ ना पहले पॉइंट्स जो आपके लिए जानने बहुत जरूरी है, इंडिया ऑलमोस्ट 60% डिफेंस इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट्स आर बीइंग मेट थ्रू इम्पोर्ट्स। मतलब जितना भी डिफेंस रिक्वायरमेंट है इंडिया का उसका ऑलमोस्ट 60% इंडिया अपना इम्पोर्ट से पूरा करता है। तो 60% आप इम्पोर्ट से पूरा करते हो तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा इंडिया का एक शेयर कहाँ पे जाता है, इम्पोर्ट में जाता है। एज पर द डेटा पब्लिश बाय स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन दैट इज सिप्री, देखो सिप्री क्या है, सिप्री एक आप कह सकते हो जैसे USA के इंडेक्सेशन के अकॉर्डिंग बहुत सारे उन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेट कर रखे हैं, वैसे ही सिप्री भी एक वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक इंस्टीट्यूशन है जो कि इस तरह की रिसर्च पब्लिश करता है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डिफेंस रिलेटेड जितने भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डेटा होता है वो सिप्री पब्लिश करता है।
तो इसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट विद 11.75% ग्लोबल शेयर फ्रॉम 2011 टू 2018. मतलब इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है वर्ल्ड में किसका, डिफेंस के इक्विपमेंट्स का. ठीक है, वो क्यों है इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा. रीजन क्या है कि इंडिया इतना ज्यादा इंपोर्ट करता है, फिलहाल वो कंसर्न नहीं है. तो कितना करता है, 11.75% शेयर. इवन आपको ये बात मैं एक और बताऊं कि 2018 में, 2019 के आसपास का जो डेटा आया था, ये 2018 ऑफिस बात है, मई तक का होगा, इंडिया फोर्थ नंबर पे भी आ गया था. अब इंडिया से सबसे आगे कौन है, सऊदी अरब है वर्ल्ड के अंदर जो टॉप है रैंकिंग के अंदर. ड्यूरिंग 2001 टू 2011 इंडिया डिडंट मेक एनी नोटिसेबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ डिफेंस एक्सपोर्ट्स एंड स्टूड 37th रैंक आउट ऑफ 74 एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. ठीक है, के 2001 से लेकर 2011 तक के डेटा की बात करें तो इंडिया 37th रैंक पे था, जो कि ऑब्वियस ही बात है कोई भी ग्रोथ नहीं थी. बट अ नोटिसेबल प्रोग्रेस इन पीरियड फ्रॉम 2014 टू 18, लेकिन 14 से लेकर 18 में एक बहुत नोटिसेबल ग्रोथ इंडिया की आई एंड दैट वाज 24th इन 2018 विद अ शेयर ऑफ 0.17%. अगर मैं आपसे 2011 से 2001 से 11 के शेयर की बात करूँ तो दैट वॉज ओनली 0.1%. अब 0.1% से 0.17% पे आ गए. देखो 0.17% ऑफ कोर्स वैसे भी कुछ नहीं है, बट 0.1% से 0.17% आना अपने आप में एक बहुत बड़ी एप्रिसिबल ग्रोथ है. तो इंडिया का ये कुछ डेटा पब्लिश हुआ था. बाकी ये भी कहा गया लास्ट दो सालों में 2016 से लेकर 17 और 2018 से 19 के डेटा की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो जंप हो गया 700% पे बढ़ गया था. मतलब 2000 करोड़ से 17000 करोड़ तक पहुंच गया था. अब इसकी वजह क्या है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है मेक इन इंडिया. ठीक है, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के अंदर जो कि जगह जगह पे पीएम मोदी ने अलग अलग तरीके के एक्सपोज अरेंज किए थे, उस पर ये साफ साफ कहा गया था कि इंडिया अब अपनी कंट्री में ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बनाने की कोशिश करेगा. और उसी के वजह से रिजल्टिंग फ्रॉम दैट इंडिया का ये जो डेटा है इस लेवल पे आ रहा है. अब देखते हैं रिफॉर्म्स क्या है. पहला, टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट, मेक इन इंडिया इज एब्सोल्युटली नेसेसरी एज प्रपोज्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण. आपने कहा आत्मनिर्भर भारत बनाना है, यही मेन मुद्दा है इन ब्रांचेस का. तो ये आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आपको मेक इन इंडिया को तो ऑब्वियसली बात है उसका कॉम्प्लीमेंट्री लेके चलना पड़ेगा. वन दे शुड गो हैंड इन हैंड, साथ साथ चलाने पड़ेंगे. इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए सबसे फर्स्ट थिंग कंसल्टेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स. गवर्नमेंट विल पुट द लिस्ट ऑफ वेपन्स एंड प्लेटफॉर्म्स. गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि कुछ वेपन्स और प्लेटफॉर्म समझते हैं सॉर्ट ऑफ लॉन्च पैड्स होते हैं जिन पे जो आपके वेपन्स होते हैं उनको माउंट किया जाता है ताकि फर्दर उनसे जो भी एक्शन है, अपने देखो वो मशीन गन के लिए अलग से स्टैंड आता है जिसमें वो सारी की सारी जो बुलेट्स हैं वो रोटेट होती हैं, तो वो उन्हें प्लेटफॉर्म्स कहा जाता है जिस जो कि यूज़ किए जाते हैं आपके किसी भी वेपन को ऑपरेट करने के लिए. ठीक है, तो ऐसे 127 आइटम्स की लिस्ट बनाई जाएगी जिनको सिर्फ और सिर्फ इंडिया से ही खरीदा जाएगा. मतलब अब तक जो आप बाहर से खरीदते थे वो सारा सामान जो है वो इंडिया से ही खरीदा जाएगा. प्लस साथ में गवर्नमेंट ने ये कहा है उनके बाहर से खरीदने पे, मतलब उनके इम्पोर्ट पे बैन कर दिया जाएगा. ये नहीं कि सिर्फ रोका जाएगा, उनको बैन कर दिया जाएगा दैट यू आर नॉट अलाउड टू परचेज दोज आइटम्स एज लिस्टेड इन दिस 127 आइटम्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. आपको बाहर से बिल्कुल भी नहीं खरीदना होगा. और गवर्नमेंट ने कहा है ईयर बाय ईयर ये लिस्ट बढ़ती जाएगी, मतलब इसमें आइटम्स को हम बढ़ाते जाएंगे अपनी बिल्डिंग कैपेसिटीज के हिसाब से, अपनी टेक्नोलॉजी इनोवेशंस के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इसको बढ़ाते जाएंगे. मतलब ईयर बाय ईयर हमारा इम्पोर्ट बिल कम किया जाएगा किसके ऊपर, डिफेंस सेक्टर के इक्विपमेंट्स रिक्वायरमेंट के ऊपर. राइट, सेकेंड बात करते हैं, a provision is made to defense budget to procure a percent only for indian made defense item. jaise ki ab budget banta hai to budget pe kuch portion aisa hota hai na jo ki arm forces ka diya jata hai ki bhai arm forces ke liye defense ke liye itna budget hai. jo bhi budget defense ke liye banega, right, maan lo maine aapse kaha 1000 rupaye ka budget bana, 1000 rupaye mein se ye kaha gaya ki 300 rupaye jo hai wo kisko diye jayenge, defense sector ko diye jayenge. गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो 300 रुपए डिफेंस सेक्टर को दिए जाएंगे उसमें से भी एक परसेंटेज जो होगा वो सिर्फ इंडिया से परचेज करने के लिए होगा. मान लो कहा गया 10%, मतलब 300 रुपए डिफेंस सेक्टर का बजट है
उस 300 में से 10% मीन्स 30 रुपए खर्च किए जाएंगे सिर्फ इंडिया के बनाए हुए वेपन्स और जितनी भी चीजें उसके ऊपर, राइट? ठीक है, जो कि बहुत बहुत गेम चेंजिंग रोल प्ले करेगा इंडिया के लिए। द स्पेयर पार्ट्स, आज तक इंडिया क्या करता था, अपने स्पेयर पार्ट्स भी, जो भी डिफेंस इक्विपमेंट के स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो चाहिए होते थे वो भी इंडिया बाहर से लेता था, उनको भी इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जाएगा, उनको भी इंडिया में ही बनाया जाएगा। दैट इज इंडिजनाइजेशन ऑफ इम्पोर्टेड पार्ट्स। इंडिजनाइजेशन का मतलब क्या होता है, इंडिजनाइजेशन का भारतीयकरण, इसका मतलब है चीज़ों को इंडिया में ही बनाएंगे, हम बाहर से नहीं मंगाएंगे, राइट? इसके बाद गवर्नमेंट ने कहा है कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। सी, गवर्नमेंट ने भी कहा, मैं भी आपसे कह रहा हूँ, देयर इज समथिंग कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन एंड इट्स कॉल्ड कॉर्पोरेटाइजेशन। कॉर्पोरेट्स, जब भी आप वर्ड सुनते हो कॉर्पोरेट्स, तो आपको एक हायरार्की समझ में आती है कि भैया टीम लीडर होगा, उसके नीचे 20 लोग काम कर रहे होंगे, टीम लीडर के ऊपर एक बॉस होगा, उसके ऊपर एक बोर्ड बैठा होगा। बॉट मतलब आपके दिमाग में कॉर्पोरेट, जैसे कॉर्पोरेट वर्ड आता है ना, एकदम वेब आ जाता है पूरा, कि ये मतलब एक हायरार्की के, ये सुपीरियर फिर उसका, ये सुपीरियर उसका, ये सुपीरियर, अकाउंटेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है उसके, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ती है, अकाउंटेबिलिटी भी बहुत बढ़ जाती है, प्रिसाइसनेस बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि इतने सारे सुपीरियर होंगे तो वी नीड टू आंसर, वी हैव टू आंसर, तो हम अपने आप ही अपने काम को अच्छा करते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि जो इंडिया की 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं उनको कॉर्पोरेटाइज किया जाएगा, मतलब उनके लिए उनके काम करने के तरीके को बदला जाएगा। अभी तक गवर्नमेंट करती थी, गवर्नमेंट तो करेगी, प्राइवेटाइज नहीं कर रहे उनको, कॉर्पोरेटाइज कर रहे हैं, मतलब उनके स्ट्रक्चर को बदला जाएगा, जिससे कि मैनेजमेंट टीम को एस्टैब्लिश किया जाएगा, जिससे कि अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पर्टिकुलर हर वर्कर के अंदर हर फैक्ट्री में बढ़ेंगी, और साथ ही साथ में अभी तक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो थी उसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं किया गया था, या उसके जो शेयर्स थे वो सिर्फ गवर्नमेंट के पास थे, अब नॉर्मल सिविलियंस के लिए, हम सिविलियंस के लिए भी उनके शेयर्स मार्केट में आपको अवेलेबल होंगे। ये दोनों के लिए फायदा है, पहला फायदा हमारे लिए कि हमारे पास भी अब इन कंपनीज के शेयर्स आ सकते हैं, दूसरा फायदा गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक ह्यूज सोर्स ऑफ कैपिटल आ सकता है बाय लिस्टिंग इट टू स्टॉक मार्केट। तो गवर्नमेंट ने ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मेजर स्टेप लिया है ताकि इनकी जो फंक्शनिंग है उनको ठीक किया जा सके। फिर FDI लिमिट, देखो FDI समझने पहले जिन लोगों को नहीं पता, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब कोई भी फॉरेन से कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है उसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। नाउ व्हाट इज फॉरेन डायरेक्ट, व्हाट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, समझना ध्यान से, वो पर्सन किसी इस कंपनी के एग्जिस्टिंग कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद रहा, मतलब से मान लो इलॉन मस्क इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इंडिया में, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, एरोस्पेस को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर के, वो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, वो अपनी खुद की एक कंपनी बना रहे हैं, ठीक है, खुद का जो स्पेस एक्स का सेटअप है वो इंडिया में स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें फुल कंट्रोल उसी पर्सन के हाथ में होता है जो इन्वेस्टमेंट करता है, वो कोई शेयर्स नहीं खरीदता, राइट? जबकि एक होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, उसमें हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, ऑब्वियसली बात है वो आए उन्होंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, इन्वेस्टमेंट ये भी है, बट इसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा है FDI लिमिट, क्योंकि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने में और इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट्स होती है फॉरेन से रोकने की जो वजह थी वो यही थी कि 49% थी डिफेंस सेक्टर में, अब वो बढ़ा के 74% कर दी गई है। अब जैसे ही आपने 74% करी तो वैसे ही इंडिया एक बहुत ज़्यादा प्रस्पेक्टिव मार्केट बन के साबित होता है सबके लिए, तो ज़्यादा नंबर ऑफ जो इन्वेस्टर्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे विद दिस परसेंटेज, राइट? गवर्नमेंट ने कहा है PMU स्टैब्लिश किए जाएंगे, दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है, क्यों? देखो ऐसा होता है कि कोई डिसीजन इंडिया में आता है और वो फिर आता है और वो आता ही रहता है, कब तक पता नहीं, 6-6 साल, 5-5 साल, 4-4 साल हो जाते हैं, जैसे रेफरल डील आपको पता ही है कितने साल पहले हुई फिर जाके कब जाके अकम्प्लिश हुई, तो ऐसा ना हो कोई भी डील इतनी डिलेड ना हो जाए ताकि उसके जो डिलेड होने के जो चांसेस है उसको रोका जाएगा, उसके लिए PMU स्टैब्लिश किया जो कि इंश्योर करेगा कि कोई भी प्रोजेक्ट एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड तक कंप्लीट हो जाना चाहिए ताकि रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो, ठीक है। रियलिस्टिक सेटिंग ऑफ जनरल स्टाफ क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेपन्स एंड स्टाफ स्टॉक प्लेटफॉर्म। नाउ व्हाट इज, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड जनरल स्टाफ क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स। अगर आप एक वेपन डीलर बनना चाहते हैं, ठीक है,
मान लो आपने सारे प्रोसीजर्स को पूरा करके आप एक वेपन डीलर बन भी गए, ऑथराइज वेपन डीलर बन गए। अब आप आर्मी वालों से कहोगे कि भाई मुझे आप ऑर्डर दो, ठीक है। अब जब ऑर्डर दोगे तो ऑर्डर के लिए सबसे पहले एक इन्वॉइस होता है ना, जिस इन्वॉइस में सब कुछ मेंशन होता है कि भैया आपका क्या क्या है परफॉर्मेंस, जिसे आप बोलते हो कि भैया कैटलॉग दो, क्या तुम बेचते हो, कैसे बेचते हो, क्या टेक्निक यूज करते हो, दैट इज सेम जनरल स्टाफ क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स GSQRs। GSQRs पूरे एक लिस्ट होती है जो ये बताती है कि क्या क्या आपका स्टाफ की चीज़ें होनी चाहिए, क्या फैक्ट्री में होना चाहिए, क्या वेपन्स में होना चाहिए, क्या साइज होगा, क्या शेप होगा, क्या टेम्परेचर में स्टोर कर सकते हैं, कितना ऑटोमेटिक होना चाहिए, कितना मैनुअल होना चाहिए, वो सब कुछ होता है। अब मैं होता ये था कि ये ढंग से काम नहीं कर पाता था, मतलब आपने वेपन बनाया फिर आपने पूछा कि भाई ये चीज़ यहाँ से काम करेगी, वो वहाँ से काम करेगी, तो एक पर्सन ने पहले तो बनाया, उसके बाद उसने उस मतलब जो रिक्वायरमेंट्स उसको पूरा नहीं किया, सब वेस्ट हो गया। तो गवर्नमेंट ने कहा रियलिस्टिक सेटअप किया जाएगा जिसमें प्रॉपर फंक्शनिंग करेंगे, मतलब एक प्रॉपर तरीके से हर चीज़ का पहले से एक परफॉर्मर होगा, कैटलॉग होगा, आप उसी के मीट के अकॉर्डिंग काम करेंगे, यानी कि पहले आप कर लें और फिर आप टेस्टिंग एंड ट्रायल्स की बात करते हैं, ठीक है। फिर ओवरऑलिंग ट्रायल टेस्टिंग प्रोसीजर्स, अब ओवरऑलिंग ट्रायल टेस्टिंग प्रोसीजर्स क्या है, ओवरऑलिंग का मतलब होता है रिपेयर करना किसी चीज को, जो टूट फूट हो गई उसकी रिपेयर करना, ठीक है, और उसको फिक्स करना। तो ओवरऑलिंग ट्रायल टेस्टिंग प्रोसीजर्स पे गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो भी टूट फूट रिपेयर्स वगैरह होगी वो सारी इंडिया के अंदर ही की जाएगी, बाहर से कुछ भी नहीं मंगवाया जाएगा, राइट। सो दैट वॉज ऑल अबाउट योर सिविल सेक्टर। अब मैंने आपसे कहा था सिविल एविएशन में तीन सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है, कौन कौन से, एयर स्पेस मैनेजमेंट, एयरपोर्ट्स एंड मेंटेनेंस रिपेयर्स एंड ओवरहॉल। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ध्यान से समझना है। तो वन बाय वन सबको समझते हैं, पहले देखते हैं एयर स्पेस मैनेजमेंट के केस में क्या किया है गवर्नमेंट ने। सबसे पहला देखा जाए तो इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट, इंडिया जो है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है, ठीक है, लेकिन इंडिया अपने एयर स्पेस का सिर्फ 60% यूज करता है। व्हाट इज एयर स्पेस, देखो भाई जमीन तो हमें दिखाई देती है यहाँ तक आसमान तो नहीं दिखाई दे रहा ना, तो आसमान में भी तो हमारा कुछ पोर्शन होगा, तभी तो फ्लाइट्स उड़ रही हैं। तो एयर का मतलब जिस घर पे आप रहते हो उस घर से ऊपर तक एयर का और इधर उधर तक कितना एयर का पोर्शन एक कंट्री के पास है वो एयर स्पेस से डिसाइड होता है, ठीक है। 20 नॉटिकल माइल्स, देखो आपको डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप वीडियोस में जाके देखना, आपको वीडियोस में मिल जाएगा डोमेस्टिक टेरिटरी कॉन्सेप्ट। जैसे कंट्री के पास लैंड प्लस कुछ वाटर पोर्शन होता है, ठीक है, ये वाटर पोर्शन 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड करता है, राइट। इसको तीन पार्ट में 12 फिर 200 में डिवाइड किया जाता है, तो 12 नॉटिकल माइल्स जो टेरिटोरियल वाटर का पोर्शन होता है, उस पोर्शन से लेके ऊपर तक का जितना भी कंट्री का आपका एरिया है, मतलब आपके मैप के ऊपर जितना आपका एरिया दिखाई देगा वो वाटर्स को इंक्लूड करके वो आपका एयर स्पेस होगा, ठीक है। ये डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड हुआ था शिकागो कन्वेंशन, ठीक है, शिकागो कन्वेंशन एक डील हुई थी जिसमें डिसाइड हुआ था कि कंट्री का जो एयर स्पेस है वो कैसे डिसाइड होगा, कैसे अमेंड होगा, ठीक है। अब हम देखें तो इंडिया सिर्फ 60% स्पेस को अवेलेबल करवा मतलब अब यूज़ कर पाता है, जो फ्रीली अवेलेबल है जो दे रखा है मतलब यूज़ करने के लिए, क्यों, क्योंकि बाकी में वो डिफेंस के ट्रायल्स वगैरह इन सब चीज़ों की बातें करते हैं, जिससे कि होता ये है कि इंडियन फ्लाइट्स को एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाने के लिए बहुत लंबे रूट का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑब्वियसली बात है जितनी भी है वो क्या होगी, वो बढ़ेगी और इवेंचुअली वो कस्टमर को भी नुकसान देगी। गवर्नमेंट ने कहा है कि अब और एयर स्पेस को अवेलेबल करवाया जाएगा ताकि जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सके, जिससे कि सिविल एविएशन में बूस्ट आ सके, ठीक है। और अब देखो साफ और सीधी बात यह है कि जब शॉर्टेस्ट रूट के थ्रू ट्रैवल किया जाएगा तो उससे फ्यूल कंजम्पशन कम होगा। फ्यूल कंजम्पशन कम दो चीज़ों पर बेनिफिट देगा, एक तो इको फ्रेंडली, जितना फ्यूल कम बर्न होगा उतना कम आपके गैसेस एमिट किए जाएंगे, साथ ही साथ में आपका इंपोर्ट भी कम होगा। तो ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो कि इस डायरेक्शन में लिया गया है। इसके बाद गवर्नमेंट ने कहा है कि स्टार्ट ऑक्शनिंग ऑफ 6 मोर एयरपोर्ट्स। आपको पता होगा गवर्नमेंट ने पहले ही अपने 3 एयरपोर्ट्स को ऑक्शन किया था, ठीक है, अब गवर्नमेंट और ऑक्शन कर रही है किसके थ्रू, PPP, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब अभी तक जितने भी एयरपोर्ट्स के अंदर मेंटेनेंस रिपेयर्स ये जितना भी चीज़ें होती थी गवर्नमेंट करती थी,
गवर्नमेंट अब इसकी ऑप्शनिंग कर रही है, मतलब इनके मेंटेनेंस रिपेयर रिन्यूअल्स के ऊपर जितना भी खर्चा आएगा और जितना भी चीजें होंगी वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के थ्रू होंगी, और जहां चीजें प्राइवेटाइज हो जाती है मतलब जहां पे प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, ये आप सब समझते हैं वहां पे क्वालिटी ऑटोमेटिकली एनहेंस कर दी जाती है। तो इसलिए पीपीपी मोड के थ्रू जो गवर्नमेंट है वो अपने 6 और एयरपोर्ट जो है उनको बहुत जल्दी किस में लाएगी, पीपीपी मोड के थ्रू लेके आएगी, ताकि जितना भी उसके अंदर ओवरहॉलिंग प्रोसेस है वो सारा उनको दिया जा सके और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी को कस्टमर्स के लिए अवेलेबल करवाया जा सके। आगे गवर्नमेंट कह रही है आगे हम और भी करेंगे, फिलहाल 6 आगे और भी गवर्नमेंट करने के प्लान में है। नेक्स्ट गवर्नमेंट ने कहा एस्टैब्लिशिंग इंडिया एज अ ग्लोबल एमआरओ, ठीक है, इसके अंदर क्या है, देखो क्या था कि एमआरओ क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इसको आपको ध्यान से समझना है। मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल होता क्या है कि इंडिया में जो टैक्स रेज्यूमिंग है वो टैक्स रेज्यूमिंग की वजह से प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट के बहुत हाई होने की वजह से जो भी फ्लाइट, जैसे मान लो कोई भी फ्लाइट यूएसए से आ रही है और साउथ एशियन कंट्रीज में जा रही है, ऑस्ट्रेलिया में जा रही है, तो वो इंडिया आती है लेकिन अपने मेंटेनेंस के लिए इंडिया में नहीं रुकती, क्योंकि इंडिया की मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई थी, बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से इवन इंडिया के एयरक्राफ्ट भी अब्रॉड जाकर के अपनी मेंटेनेंस रिपेयर स्पेयर पार्ट पर खर्चा करते थे। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जब इंडिया के पास सारा स्किल्स सारे लेबर हैं तो इस रेज्यूमे को बदला जाएगा और इंडिया को क्या बनाया जाएगा, इंडिया को एक ग्लोबल एमआरओ सेंटर बनाया जाएगा, ठीक है, जिसका मतलब ये है कि इंडिया के अंदर अब एक बेस बनाया जाएगा जहां पे जितने भी एयरक्राफ्ट है, और वो एयरक्राफ्ट सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक नहीं, मतलब सिविल एयरक्राफ्ट नहीं, जो भी डिफेंस के एयरक्राफ्ट है उनको भी इंडिया के अंदर ही रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स के लिए रखा जाएगा। मतलब अब इसकी वजह से कहा जा रहा है कि इंडिया का 30-40% जो खर्चा जो रिपेयर्स और रिन्यूअल मतलब एमआरओ में होता था वो खर्चा वैसे ही कम हो जाएगा, क्योंकि आप समझो होता क्या था कि भाई इंडिया का एयरक्राफ्ट है ये जाते थे कहाँ पे अपने रिपेयर्स के लिए, श्रीलंका, मलेशिया, राइट, और आपका सिंगापुर, यूएई, इन सब कंट्रीज में जाते थे अपने रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स के लिए। सोचो ये वहाँ पे गए, वहाँ पे जाके पूरा एमआरओ करवाया, मतलब जो भी मेंटेनेंस वगैरह है, क्योंकि मेंटेनेंस तो ऑब्वियसली बात है बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक फ्लाइट इतने लंबे डिस्टेंस को ट्रैवल करेगी तो ज़रूरी है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। वहाँ पे गई, मेंटेनेंस कराया, वापस भी आ गई, तब भी इतना खर्चा नहीं आया जितना खर्चा सिर्फ इंडिया में ही एमआरओ पे आ जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है इस रेज्यूमे को बदला जाएगा और इंडिया के अंदर वो सारी चीज़ें अवेलेबल करवाई जाएंगी कि इंडिया एक ग्लोबल एमआरओ बन सके, कि वर्ल्ड क्लास लेवल से, वर्ल्ड लेवल से एयरक्राफ्ट, चाहे वो सिविलियन हो चाहे वो आर्मी हो, वो इंडिया में ठीक किया जा सके। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स। सो आज हम बात करने वाले ट्रांच 4 के पार्ट बी की। इससे पहले के सेक्शन में हमने किसके बारे में बात की थी, 4A में हमने बात की थी वो सारे सेक्टर्स की, मतलब मैंने आपको बताया था ट्रांच 4 के अंदर जो गवर्नमेंट है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बेसिकली 8 सेक्टर्स को इंक्लूड करके उनके अंदर चेंजेस और उनके अंदर रिफॉर्म्स की बातें की थी। तो 4 सेक्शंस हम कवर कर चुके हैं, आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 4 के बी पार्ट की, जिसमें हम बात करेंगे कि बाकी रेस्ट 4 सेक्टर्स कौन से हैं और उनमें क्या क्या अमेंडमेंट्स की गई हैं। ठीक है, तो जैसा कि उसमें मैंने आपको बताया था पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, 8 सेक्टर में एक सेक्टर कौन सा था, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, जिन्होंने 4 ट्रांच का ए पार्ट नहीं देखा है ऊपर आई आइकन को प्रेस करके वो जरूर उस वाले पार्ट को देख ले। ठीक है, अब पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के अंदर क्या चेंजेस किए गए हैं, इसके लिए थोड़े से चेंजेस आपको याद होगा कि मैंने पहले भी समझाया था कि गवर्नमेंट ने 90,000 करोड़ का डिस्कॉम्स को एक प्रोविजन दिया था, क्योंकि वो क्या रहा था जो ये पैंडेमिक हुआ, इस पैंडेमिक की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, वो लॉकडाउन की वजह से ना ही कमर्शियल यूनिट कोई वर्क कर पाई, और कमर्शियल वर्क नहीं कर पाई तो उनका काफ़ी लॉस हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है उनको उसमें लॉस हुआ। सिमिलरली जो हाउस होल्ड्स हैं उनको भी काफ़ी सफ़र करना पड़ा, क्योंकि जब पैसा ही नहीं है तो वो भी कहाँ से बिल पे करेंगे। सो गवर्नमेंट ने पहले ही उनके लिए 90,000 करोड़ का प्रोविजन दिया था। अभी गवर्नमेंट ने एक बहुत मेजर स्टेप लिया है, आपको पता है यूनियन टेरिटरीज हमारी जो है वहाँ पे अभी तक किसी भी तरीके से कोई प्राइवेट डिस्कॉम्स नहीं थे। अब गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट किया है, देखो दिल्ली को छोड़ के बाकी जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे पास उनमें प्राइवेट डिस्कॉम्स नहीं है। तो गवर्नमेंट ने जो ये इनिशिएशन है पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के अंदर, सबसे पहला इनिशिएशन, सबसे बड़ा तो यही है कि जितने भी
यूनियन टेरिटरीज है उनके अंदर सबके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है आपका वो प्राइवेटाइज किया जाएगा। बेनिफिट आप जानते हैं कि प्राइवेटाइज होने से हमें कितना बेनिफिट हुआ, क्योंकि अगर आप आज से 10-15 साल पहले के कंपैरिजन को लोगे तो लोगों को घंटों घंटों तक बिजली के दफ्तरों के बाहर ऑफिस के बाहर लाइन में बहुत लंबी क्यू में खड़े होना पड़ता था जस्ट टू सबमिट देयर इलेक्ट्रिसिटी बिल। जस्ट ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन आप देख सकते हो कि आज कितना अच्छा हो गया कि कितनी बार ऐसा भी होता है कि अपना ही बिजली का बिल पे करने के लिए हमें क्या मिलते हैं, एक अच्छे डिस्काउंट्स मिलते हैं, कैशबैक मिल जाते हैं। क्यों हुआ ऐसा? प्राइवेटाइज होने की वजह से कुछ हद तक तो गवर्नमेंट ने यही कहा कि बाकी सारी यूनियन टेरिटरीज के अंदर जो प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। सिर्फ अभी किसकी बात की गई? यूनियन टेरिटरीज की फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट सेंटर के अंदर आती है, डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंदर आती है ना, तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है। पहले गवर्नमेंट कोशिश तो यही कर रही है, सोच तो गवर्नमेंट यही है कि हम इनको प्राइवेटाइज करेंगे और सेम यही मॉडल फिर बाकी जो स्टेट्स है उनको भी शो किया जाएगा ताकि वो भी आगे अपने स्टेट्स के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो भी अपने स्टेट में प्राइवेटाइज कर सके। ठीक है, अब गवर्नमेंट के लिए इससे फायदा क्या होने वाला है? प्रीपेड मीटर्स को इंस्टॉल किया जाएगा। आप जानते हैं प्रीपेड मीटर आज की डेट में बहुत अच्छा है क्योंकि फिर इससे एक तो आप इंडिपेंडेंट एक आइडेंटिटी क्रिएट कर पाते हो। आप किसी लैंडलॉर्ड के पास रहते हो, आप उससे बिजली का बिल मांगते हो, भाई बिजली का बिल दे मुझे ये करना है वो करना है, वो मना कर देता है, कितना नुकसान होता है, कितनी बार यूज का, तो अब प्रीपेड मीटर्स इंस्टॉल किए जाएंगे जिससे कि आप अपने उस मीटर के बेसिस पे ही अपने काम भी करवा सकते हो, प्लस जितना आप यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग यू नीड टू पे जो आपको चाहिए। ठीक है, जिससे कि 250 मिलियन हाउसहोल्ड को कुछ बेनिफिट होने वाला है। डीबीटी दी जाएगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स। आप जानते हो हम इंडिया में, और इंडिया बहुत अनऑर्गेनाइज है, यहाँ का इनफॉर्मल सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर यहाँ के ऑर्गेनाइज और फॉर्मल सेक्टर से बहुत ज्यादा बड़ा है। कई जगहों पर आपको पता है क्या होता है, कई जगहों पर ऐसा होता है कि आपके घर में मीटर लगा हुआ है और सब्सिडी आ रही है, जो भी वो सब्सिडी लैंडलॉर्ड आपको ट्रांसफर ही नहीं करते, वो आपको बोलेंगे भैया ये तुम्हारा बिल आया, तुम्हें इतना बिल देना है, इतनी यूनिट के हिसाब से तुम्हारी मीटर की रीडिंग हुई है, तुम दे दो। ठीक है, तो जो बेनिफिट उनको मिलना चाहिए वो उनको मिला ही नहीं। तो गवर्नमेंट का आपको पता होगा गवर्नमेंट आजकल हर सेक्टर में डीबीटी यूज करती है, दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, आपके अकाउंट नंबर से आपका पर्टिकुलर जो चीज होती है आधार कार्ड से उसको लिंक कर दिया जाता है, जिससे कि जो अकाउंट में आपकी सब्सिडी आ रही है डायरेक्ट आपके अकाउंट में आती है, किसी थर्ड पार्टी पर्सन के थ्रू नहीं आती, तो ये फायदा होगा। ठीक है, अब जो डिस्काउंट स्टैब्लिश किए जाएंगे उनको एंश्योर करना होगा कि वो सफिशियंट पावर दे। ठीक है, लोड शेडिंग, नाउ लोड शेडिंग, और अगर एडिक्वेट पावर नहीं देंगे तो उनको पीनलाइज किया जाएगा। व्हाट डू वी मीन बाय लोड शेडिंग? आप ऐसे समझो कि एक पावर हाउस है, ठीक है, एक पावर प्लांट है जो मान लो 1 किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और एक घर है जिसको रिक्वायरमेंट है मान लो 0.8 किलोवाट, ये प्रोड्यूस करता है 1 किलोवाट और उसको रिक्वायरमेंट है 0.8 किलोवाट की। कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं, इजीली ट्रांसफर करेगा जबकि बची रहा है। अब आगे दो घर, दूसरे घर की रिक्वायरमेंट भी 0.8 की है बट ये प्रोड्यूस कितना कर रहा है, ओनली 1 किलोवाट, तो 0.8 और 0.8 तो रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 1.6 किलोवाट की। अब ये प्रोड्यूस कितना कर रहा है, 1 किलोवाट ओनली, क्या करेगा ये करेगा, ये एक को लाइट देगा, दूसरे की काट लेगा, दूसरे की देगा, तीसरे को काटेगा। ऐसा ही होता है आप लोगों के साथ, एक एरिया की लाइट काटते हैं, दूसरों को देते हैं, दूसरों की काटते हैं, तीसरे को देते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है सर ये लोग अपने प्लांट को बढ़ा क्यों लेते हैं? प्लांट तो ये बढ़ा लेंगे, लेकिन अगर इन्होंने प्लांट बढ़ा लिया तो ये प्लांट बढ़ाएगा 1 किलोवाट से, तो 2 किलोवाट प्रोड्यूस करेगा, रिक्वायरमेंट 1.6 किलोवाट की, तो इसको 0.4 किलोवाट का नुकसान होगा, ये कंपनी झेलना नहीं चाहती अपने आप में। सो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा लोड शेडिंग जैसी चीजें हैं इनको अवॉइड किया जाएगा। ठीक है, सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई जो होगी, मतलब गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है वो सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंसेस वगैरह को रोकनी चाहिए, मतलब अपना जो भी कस्टमर है उसको मैक्सिमम लेवल पे बेनिफिट दिया जाना है। ठीक है, बाकी उन्होंने कहा है कि अगर हम प्राइवेट कंपनीज को इसमें लेके आएंगे तो देखो वही सेम चीज पहले वाली बात, प्राइवेट कंपनीज का आना ही मतलब कॉम्पिटिशन का बढ़ना, ट्रांसपेरेंसी का बढ़ना और कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा फायदे होना। ठीक है, और गवर्नमेंट ने साथ में ये भी कहा है न्यू नेशनल टैरिफ पॉलिसी को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर जो भी अनवांटेड जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ होते हैं वो हो गया, क्रॉस सब्सिडी हो गया, इन सब चीजों को गवर्नमेंट अवॉइड करेगी। क्रॉस सब्सिडी क्या होती है? क्रॉस सब्सिडी के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आपको ऊपर आई आइकन पर प्रेस करके दिख जाएगा क्रॉस सब्सिडी के बारे में, राइट। बाकी मैं आपको एक छोटी सी आइडिया दे देता हूँ, कमर्शियल
बिल अलग आता है, रेजिडेंशियल बिल अलग आता है, कमर्शियल वालों से गवर्नमेंट ज्यादा लेती है राइट, और उसका जो ज्यादा अमाउंट होता है उसके अमाउंट से हम रेजिडेंशियल वालों को सब्सिडी दी जाती है, इसे क्रॉस सब्सिडी कहते हैं राइट। तो ये चेंजेस हैं जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में किए गए हैं। आगे देखते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वो होते हैं जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहेंस करते हैं, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को, कैसे? बेटर हाउसिंग फैसिलिटीज, बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, बेटर मेटर्निटी केयर सेंटर्स, बेटर ये जितनी भी चीजें होती हैं, पार्टिसिपेशन ऑफ मेन एंड वुमेन इन द इकोनॉमी, ये सब कुछ सोशल इंफ्रा का पार्ट होता है। गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर सिर्फ गवर्नमेंट ही सोशल इंफ्रा के प्रोजेक्ट पे खर्चा करेगी तो ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट उसको पूरा नहीं कर पाती, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर्स को भी बेसिकली क्या किया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर्स को भी इन्वॉल्व किया जाएगा किसके अंदर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में बाय VAF, विच इज क्या करेगी गवर्नमेंट, VAF के थ्रू करेगी, विच इज वायबिलिटी गैप फंडिंग। अब वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होती है? देखो ऐसा होता है कि कुछ कुछ जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखे हैं उन प्रोजेक्ट्स में काम करने पर गवर्नमेंट क्या करती है, आपको कुछ परसेंट सेंटर और कुछ परसेंट स्टेट आपको उसका बेनिफिट देते हैं राइट। वायबिलिटी गैप फंडिंग वैसे तो 20% है सेक्टर्स में, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में अब इसको 30% कर देगा, बाकी सारी जगह पे जहां पे गवर्नमेंट आपसे VAF की बात करते हो 20% रहेगा, बट सोशल इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट इसको 30% कर रही है, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट कह रही है इसके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट बट ऑल्सो प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्ट, ठीक है, VAF के थ्रू सिर्फ गवर्नमेंट नहीं प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट करेंगे, बाकी सेक्टर में 20% रहेगा। और गवर्नमेंट ने इसका एक प्रोविजन निकाला है, वो कितने का है, 2,8100 crore का इसका प्रोविजन निकाला गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है स्पेस सेक्टर राइट। आपको पता होगा अभी तक जो हमारे पास इंडिया का रिनाउंड स्पेस सेक्टर दैट इज फ्रॉम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये सिर्फ अकेला है जो इंडिया के लिए सारे के सारे स्पेस रिलेटेड मैटर्स पे काम करता है, और अनडाउटली इसरो से बेस्ट कुछ है भी नहीं। हाँ अगर हम कुछ रीसेंट पास्ट की बात करें तो रीसेंट पास्ट में एक ट्रमेंडस ग्रोथ दी है स्पेस सेक्टर में इंडिया, स्पेस सेक्टर में इंडिया को किसने, इसरो ने, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि अकेले इसके होने की वजह से वो हम अपने पोटेंशियल को उस चीज को डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं। सो गवर्नमेंट ने स्पेस सेक्टर के अंदर भी प्राइवेटाइजेशन की बात करी है कि अब प्राइवेट कंपनी जैसे कि कावा स्पेस पिक्सल, स्काईरूट एरोस्पेस, तो इन सबको कावा स्पेस पिक्सल एक अलग कंपनी है, आप याद रखेंगे इसको, मैं यहाँ पे बीच में कॉमा लगा देता हूँ ताकि आप याद रखें, समथिंग पिक्सल एंड दैट इज PIXCL, पिक्सल भी एक कंपनी है, ये सारे प्राइवेट बॉडीज हैं जो स्पेस के सेक्टर में अलग अलग रिसर्चेस करते हैं, लेकिन ये फेल हो जाते हैं। रीजन, इनके पास वो सारे इक्विपमेंट्स, वो सारा इंफ्रा, वो सारी टेक्नोलॉजी नहीं है, इवन दो अपने जो एक चीजें इन्होंने करी, उनको जो इक्विपमेंट्स इन्होंने बनाई है, कुछ भी इन्होंने बनाया, उनकी टेस्टिंग तक के लिए भी इनके पास उतना इंफ्रा नहीं है। सो गवर्नमेंट ने कहा है जो फैसिलिटीज इसरो को दी जाती है वही फैसिलिटीज दी जाएंगी किनको, इन प्राइवेट स्टार्टअप्स को, इन प्राइवेट कंपनीज को, ताकि ये क्या कर सके, ताकि कंट्री के अंदर एक लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर प्राइवेट कंपनीज भी आ सके, मतलब इक्वल लेवल पे ये भी प्राइवेट के साथ काम कर सके, गवर्नमेंट के साथ काम कर सके, प्लस साथ ही साथ में जितना भी फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स होंगे जिसमें प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन की बात होगी, आउटर स्पेस ट्रैवल की बात होगी, ये सब सेक्टर इसरो के साथ मिलके काम करेंगे, मतलब गवर्नमेंट के साथ इनको मिला के काम किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद लिबरल जियो स्पेशियल डेट पॉलिसीज फॉर प्रोवाइडिंग रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग डेटा टू टेक एंटरप्रेन्योर्स, इसके अंदर क्या है गवर्नमेंट, देखो आपको पता होगा कि बहुत से लोग जो रिसर्चेस करते हैं, ठीक है, अब मुझे पता है कि वहाँ पे क्रूड ऑयल है या नहीं है, वहाँ पे ट्रेजर है या नहीं है, वहाँ पे वाटर, ग्राउंड वाटर अवेलेबल है या नहीं है, अब मैं जाऊँ वहाँ पे खोदूँ तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपको पता है GPS, अब GPS आप लोग हमेशा यूज करते हैं, GPS टेक्नोलॉजी आपकी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम किसी भी चीज के बारे में पता करते हैं, तो यही जो जियो स्पेशियल डेटा है इस डेटा को, इस पॉलिसी को अवेलेबल करवाया जाएगा प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए। अभी क्या होता है, अभी हमको इस डेटा को एक्सेस करने के लिए कि वहाँ पे ग्राउंड वाटर है या नहीं है, ये सब चीजों के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, हमें इन सब चीजों के लिए जाना पड़ता है फॉरेन कंपनीज में, उनको पैसे देने पड़ते हैं, फिर वो हमें बताते हैं, फिर वो अपने बेटरमेंट के हिसाब से रिसर्चेस करते हैं।
अब गवर्नमेंट ने कहा है कि ये डेटा उन लोगों को इंडिया में ही प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे कि इंडिया के अंदर इस पर्टिकुलर सेक्टर में भी लोगों का जो इंटरनेशन है वो उसके टूवर्ड्स बढ़ता चला जाए, ठीक है। प्लस लोगों का पैसा भी खर्च हो, वो जो पैसा वहां से खर्च होने से बचेगा वो अपने प्रोजेक्ट में ही लगा पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा है उनको वो डेटा यहीं दिया जाएगा। ऑफकोर्स इसके लिए बहुत प्रोविजन बनाए जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन होती है, ऐसे किसी को नहीं देंगे। आफ्टर वेरीफाइंग ऑल द थिंग्स तब उनको वो जो जीएस पेशेंट डेटा है जीपीएस के थ्रू जो डेटा मिलता है, क्योंकि आपको पता है क्या होता है इसमें, ऐसा होता है कि जो भी चीज है उसके अंदर से कुछ रेडिएशन वगैरह एमिट होती है, तो जीपीएस क्या करता है उन्हीं रेडिएशन के थ्रू, फिजिकल कॉन्टैक्ट तो ऑब्वियसली बात है जीपीएस नहीं करता, वो रेडिएशन के थ्रू पता करता है ना कि वो चीज कहाँ है, वो चीज कहाँ है। तो वो टेक्नोलॉजी से इनका टाइम भी बचेगा और ज्यादा एक्सप्लोरेशन हो पाएगा, राइट। एंड बात करते हैं लास्ट सेक्टर, विच इज एटॉमिक सेक्टर। एटॉमिक सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ है, पीपीपी मोड, मेडिकल आइसोटोप्स। मेडिकल आइसोटोप्स आपको पता होंगे क्या होते हैं, ऐसा होता है कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आजकल बहुत जो टिपिकल डिजीजेज होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है कि कोई एक मेडिसिन के थ्रू या किसी इंजेक्शन के थ्रू कुछ केमिकल्स को ऐड किया जाता है, ठीक है, मेडिसिन के फॉर्म में, और वो एक पर्सन को दी जाती है। उसके बाद जब वो मेडिसिन आपकी बॉडी में जाती है तो उसमें से जो रेडिएशन एमिट होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू हम करते क्या है, उसके थ्रू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं बॉडी में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम्स है। अब वो मेडिकल आइसोटॉप्स वाला जो काम है उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर की भी इन्वॉल्वमेंट की जाएगी, ठीक है। अभी तक गवर्नमेंट करती थी, अब प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि आगे कॉम्पिटिशन बढ़े, गवर्नमेंट के पास फंडिंग के और सोर्स बढ़े, और जो भी ये रिसर्चेस होती है ये और एक अच्छे लेवल पे कर पाए, ठीक है। रेडिएशन टेक्नोलॉजी विद पीपीपी मोड टू यूज फूड प्रिजर्वेशन, जैसे कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि अनियन है, टमाटो है, ये पेरिशेबल गुड्स होते हैं, पेरिशेबल क्रॉप्स है, बहुत जल्दी खराब हो जाती है। इससे की वजह से क्या होता है कि मान लो किसी फार्मर ने एक बहुत अच्छी क्रॉप ग्रो भी कर ली, बट उसके बाद भी क्या होता है कि स्टोर ज्यादा टाइम तक कर नहीं सकता, तो जिसकी वजह से उसे कई बार डिस्टेंस सेल करना पड़ता है, मतलब अंडर द प्रेशर उसे बेचना पड़ता है, क्योंकि उसको पता है रखूंगा खराब हो जाएगी। तो इसी चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने रेडिएशन टेक्नोलॉजी को इस फील्ड में लेके आई है, एग्रीकल्चर की फील्ड में फॉर द फर्स्ट टाइम, जिससे कि इन रेडिएशन के थ्रू क्या किया जाएगा, उसको वो सारी क्वालिटी और वो सारी चीजें दी जाएंगी किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप को, जिससे कि वो एक और लंबे समय तक प्रिजर्व की जा सके। तो ये बात की गई है। इसके अलावा द गवर्नमेंट विल लिंक इंडिया फॉरवर्ड स्टार्टअप इकोसिस्टम टू द नीबलिंग सेक्टर टू फास्टर सिनर्जी बिटवीन रिसर्च फैसिलिटीज एंड टेक एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर स्टार्टअप्स के मामले में जो इंडिया है वो थर्ड नंबर पे आता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि इनको एक प्रॉपर तरीके से फंडिंग नहीं मिल पाती और गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनके ज्यादा इनिशिएशन नहीं होते। अभी आपको पता होगा नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो समिट हुआ था उसके अंदर भी काफी लोगों ने अपने नए नए प्रोजेक्ट दिखाए थे, तो गवर्नमेंट ने कहा इन लोगों को सपोर्ट किया जाएगा, गवर्नमेंट इन लोगों को सपोर्ट करेगी जिससे कि रिसर्च फैसिलिटीज जो है इंडिया की वो और एक एडवांस लेवल पर